वेलकम बैक कल्चर। आई होप अच्छे होंगे। तो फिलहाल भाई आप सामने देख रहे हो हमारे घर में कुछ प्यारे प्यारे बंदे घुस चुके हैं। नाश्ते का टाइम होकर रखा है। मैंने सबसे पहले नाश्ता वास्ता लेने के लिए आया, बट मुझे लगता है कुछ अलग ही लेवल की चीज़ें लेने के लिए आए हैं। पता नहीं क्या इनको प्रॉब्लम हो गई मुझसे। पिटाई खाने आए बेचारे, अभी पीट करके पता करते दौड़ में कि आखिर कौन सी गैंग के बंदे हैं। पहले मैंने सोचा बहुत भीड़ लग के रखे घर के बाहर, पता नहीं क्या हो गया। तो एकदम से जैसे मैं इनके पास आया बात करने के लिए मिलने के लिए, तो बंदों ने एकदम से मेरे ऊपर एम कर दिया और ये ट्रेवर भाई ने पूरे 50 रुपये वाला काम कर दिया अमेजिंग लेवल से। ट्रेवर भाई हाथ तो धो ही लिया करो, थोड़ा बहुत हमारे ऊपर एहसान कर दो, ये कभी हाथ नहीं धोने वाला। तो ठीक है चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं अभी जरा आपको बताया था भाई, फिलहाल हमारा जो एपिसोड आप बहुत टाइम से कुछ बंदे पूछ रहे थे, जो सारे सस्पेंस का A to Z एपिसोड जितनी भी सीरीज स्टार्टिंग से होकर के रखी है हमारी, ये 703 से स्टार्ट होकर रखी थी गोट सीरीज। वैसे देखा जाए तो ट्रेवर की लाइफ, मतलब कि मेरा एपिसोड 1 से जो ट्रेवर की लाइफ चलती आ रही है, वो फिलहाल अभी सारे सस्पेंस आपको पता लग जाएंगे संडे वाले एपिसोड में। एंड जो थर्सडे आएगा संडे के बाद में, उस वाले एपिसोड में हमारे सीरीज का लास्ट पार्ट है। एंड अगले संडे में अमेजिंग लेवल से नई सीरीज शुरू हो रही है भाई, एंड आपको उसको देखकर काफ़ी मज़ा आने वाला है। वो ज़्यादातर कम्प्लीटली 99% नहीं होने वाली है, उसमें कोई चीज़ ज़्यादातर पुरानी एपिसोड की नहीं होगी। बाकी आप उसको देखोगे तो आप सब कुछ समझ जाओगे, बट फिलहाल वो अमेजिंग होने वाली है एंड इसका एंड भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। एंड फिलहाल सस्पेंस सिर्फ संडे वाले एपिसोड में होंगे। एंड जो लास्ट का एपिसोड होगा उसमें कोई ज़्यादा बातें नहीं होगी, उसमें सिर्फ एक्शन ही एक्शन होगा। मैंने उसको डिवाइड कर दिया क्योंकि नहीं तो भाई फिर लास्ट वाले एपिसोड में सारी बातें बताने में ना एपिसोड बहुत लंबा बीत जाता है और बातें ही बातें हो जाती है। इसलिए संडे वाले एपिसोड में सारे सस्पेंस आपको पता लग जाएंगे एंड थर्सडे में हो जाएगा दी एंड। चलिए मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, एंड अगले संडे मिस मत करना। अगर आपको ये पसंद आई है तो वो तो भाई पूरे 101% पसंद आने वाली है, क्योंकि उसमें तो ट्रेवर अमेजिंग लेवल का होने वाला है। वो फनी भी है एंड इससे ज़्यादा अच्छी भी होने वाली है। मेरे प्यारे भाइयों अब पिटाई खाने वाले हो तुम लोग, क्योंकि अगर तुम लोगों ने बताया तो बहुत अच्छा, नहीं बताया तो ड्राइवर से पूछना आता है किसने भेजा तुम लोगों को सुबह सुबह मेरे घर पर। मैंने फिलहाल भाई बंदों से बहुत बार पूछने की कोशिश करी, पता नहीं रही बंदे। तो एक काम करते चलो बंदों को फटाफट से मारना शुरू करते हैं, और क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी इन बंदों का नेता तो मेरे को बनाना ही पड़ेगा नमूना। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है मेरे हिसाब से कोई ऐसे बंदे यार, देखो डार्क किंग के बंदे तो नहीं होंगे, खैर जो भी है हमें नमूनों के सरदार ड्राइवर से बंदा लेने आए हो, ड्राइवर से बंदा वो मेरे घर पर ही कमाल करते हो। चलो 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 ये लो बेटे फ्लॉट से ख़त्म। और कुछ है, और कुछ काम हो तो बता दो मेरे को, ड्राइवर उसको भी देख लेगा। आजा जल्दी आजा मेरे प्यारे भाई, ख़त्म एंड एंड। तो ठीक है भाई, लगो मेरे सारे बंदे मार दिए। अबे उधर कहाँ गोली चला रहा है भाई, आँखों में कमजोरी आ गई है क्या? इधर कहाँ गोली चला रहा है नमूना सरदार? अरे भाई सर, अबे लेस्टर नमूने मुझे मार रहा है, दुश्मन को मार रहा है। अच्छा मेरी हेल्प करने आया नमूना, अबे तू कब आया है भिंडी बाजार वाले भाई? लेस्टर तो अमेजिंग लेवल है, इसको शायद से पता लग गया होगा, जो भी देखो पक्का नहीं बोलूंगा, बट इसका मतलब लेस्टर यहाँ पर है तो इसका मतलब ज़रूर हमारा प्यारा भाई मेरी हेल्प ही करने आया है। बढ़िया लेस्टर ब्रो, वैसे मेरे को कोई ज़रूरत नहीं थी मेरे लाल, मैंने सारा सारा काम कर लिया है अमेजिंग लेवल से। फिलहाल देखो भाई, फिलहाल देखो सीरीज का एंड तो हो रहा है, इतना तो कन्फर्म है डार्क किंग हो रहा है, सारे बंदे मारे जाएंगे। बट देखो फैंटम का कन्फर्म नहीं है कि फैंटम मरेगा नहीं मरेगा, क्योंकि उसको मारने का कोई तरीका नहीं है। अगर हुआ तो उसको भी ज़रूर मार देंगे लास्ट एपिसोड में, नहीं तो शायद से उसको मारा जाएगा। बट देखो फ्यूचर एपिसोड में ना फैंटम परेशान नहीं कर पाएगा वो, आप समझ जाओ क्यों परेशान नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका सॉल्यूशन ऑटोमेटिक हो जाएगा और फैंटम कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तक मास्टर जेड हमारी लाइफ में है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, वो उसको हमेशा संभाल लेगा एंड अपनी लाइफ बड़े स्मूथली चलने वाली है। एंड वैसे भी मैं बहुत दूर निकल जाऊंगा तो ये बंदे कुछ नहीं करने वाले। मेरे प्यारे प्यारे भाई लेस्टर क्यों घूम रहा है, कभी इधर कभी उधर? वैसे बहुत से प्यारे बंदे गैस कर सकते हैं, देखो अपने डेविल ने गलत नहीं बोला था। डेविल कौन? ब्लैक डेविल, वही गॉड ऑफ फ्यूचर वाला बंदा। उसने मुझे बोला था बहुत टाइम पहले कि ट्रेवर तुम मरोगे जरूर, अब मौत से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है ट्रेवर का। अगर आप समझ गए तो बस समझ गए, बढ़िया बात है, नहीं समझे तो मैं समझाऊंगा आपको। मतलब कि जब फ्यूचर एपिसोड एंड वाला एपिसोड होगा आप उसमें फाइनली समझ जाओगे कि आखिर ट्रेवर को बचाने का तरीका क्या है, क्योंकि ट्रेवर को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि नहीं तो ट्रेवर को मरना है और वो फैंटम के हाथों ही है। अगर बच गया तो बच गया, नहीं तो मरेगा। बाकी देखते कौन इसको बचाएगा, आप समझ ही सकते हो उस चीज़ को, नहीं समझे तो समझ जाओगे। मेरे प्यारे लेस्टर तेरे को तकलीफ क्या है भाई, रुक जा मुझसे बात कर ले कभी इधर कभी उधर। लेस्टर मुझे बोलता है कि ट्रेवर तू मेरी बात पे भरोसा नहीं करेगा, बट ये तेरे पापा मतलब रॉबर्ट फिलिप्स के बंदे थे, मैं सच बता रहा हूँ ट्रेवर मेरे को पक्की खबर मिली है उसको छोड़ेंगे नहीं। मैंने बोला मेरे भाई तू उल्टी बात कर रहा है, ट्रेवर के पापा क्यों मुझे मारेंगे? हाँ दे भाई साहब, चल ठीक है मैं कन्फर्म कर लूँगा इस चीज़ को। लेस्टर भी ना मतलब मान के अंदर आपको बताइए, इसके पापा मारे गए थे टेस्टर जी लास्ट एपिसोड में, तो तब से पागल होकर के रखा है, बोल रहा है कि ट्रेवर तेरे पापा ने सारा काम किया। चलिए इस बात की सच्चाई तक तो हम पहुंच जाएंगे, आखिर किसने सारा काम किया किसने नहीं किया वो सब कुछ ट्रेवर भाई अपना पता लगा लेगा। चलिए ड्राइवर जी फटाफट से जल्दी से जगह पर निकलिए,
वैसे मजा आने वाला भाई, नेक्स्ट लाइफ जो ट्रेवर की होने वाली है ना वो बिल्कुल सेम ऐसी होगी जैसी आप लोगों ने इमेजिन करी थी एंड कॉमेंट्स करी थी, मतलब कि उसमें वो सब कुछ आपको मिलेगा देखने को, अमेजिंग लेवल से सारी लाइफ। ट्रेवर के मोम डैड भी आपको उसको देखने मिलने वाले हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मज़े की फैमिली ट्रेवर की होगी। चलिए खैर निकलते हैं ट्रेवर में, लाल जल्दी से फटाफट से निकलिए। तो फिलहाल इसके कहने के हिसाब से रॉबर्ट फिलिप्स ने मारा, पता है इसकी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट है, मैं क्या ही बोलूँ। ये मतलब किसी की बात पर भरोसा कर लेता है दो मिनट पर, पता कर लेते हैं, बाकी मेरा डगन पता करके मुझे बताएगा। डगन मेरे प्यारे भाई जरा चेक करके बोल यार, ये लेस्टर ना रॉबर्ट जी के पीछे पड़ा हुआ है। डगन से बातें हो गई, डगन मेरे को बोल रहा है अबे छोड़ रॉबर्ट फिलिप्स वाले बंदों को, मैंने फाइनली पता कर लिया ट्रेवर मिस्टर माइंड कहाँ पर है, इससे पहले नमूना निकल जाए जल्दी पकड़ उसे जाकर के। मैंने बोला यार इससे अमेजिंग बात तो हो ही नहीं सकती, फाइनली मिस्टर माइंड मेरे को मिल गया, उससे बहुत सारे काम कराने हैं अमेजिंग लेवल से। वैसे यार एक बात बताऊँ, आपको बड़ी कॉमेडी हो गई थी ड्रैगन के साथ में, यार देखो ड्रैगन तो इतनी ईजी से मार देगा मास्टर जेट, मैंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि फिलहाल वो बंदा नहीं तो उसकी आर्मी उसको मारने में 100 साल लग जाते ट्रेवर को, क्योंकि उसकी आर्मी स्केलेटन टाइप की थी, ड्रैगन को मारने में काफ़ी टाइम लग जाता हम लोगों को, बट मास्टर जेड ने तुरंत ही उसको तियान कर दिया एंड बहुत अपनी मुश्किल आसान कर दी। आज की डेट में मेरे सबसे दो ही खतरनाक विलन जिंदा है मेरे हिसाब से, बाकी उन्हीं के नीचे काम करने वाले बंदे हैं, मेन विलन सिर्फ दो ही है, डार्क किंग एंड फैंटम, उनको ख़त्म करते ही लाइफ ईजी हो जाएगी। पहुँच चुका हूँ जगह पर, तो मेरे प्यार डगन ने यहाँ पर जगह ढूंढ निकाली है। फिलहाल यहाँ पर एक वोल्ट है, इस कॉलोनी को आपको मैं पहले भी दिखा के रखा हूँ, यहाँ पर कुछ अलग ही लेवल के नमूने रहते हैं, खैर इनको छोड़िए। पॉइंट क्या है, मैं बाहर से ही काम है, बाहर यहाँ पे जंगल के एरिया में बंदों ने कोई फैसिलिटी बना के रखी है, ऐसे डगन ने मुझे बोला था। इसके अंदर निकलते हैं, देखते हैं नीचे की तरफ क्या है, किस टाइप की फैसिलिटी है। वैसे फैसिलिटी एक जैसी होती है ज़्यादातर, आपको बताइए जी टी एम इंटीरियर्स एक ही तरीके के बनाए गए हैं, ज़्यादा इंटीरियर्स नहीं बनाए गए। तो चलिए पहुँचते अंदर एंड चेक करते हैं अमेजिंग लेवल ट्रेवल लाइन, चलो नीचे निकलो। मैंने फिलहाल वही सारा का सारा काम कर लिया है, और आपको मैं एक बात और याद दिला दूं, अभी हमारा दोस्त फ्रैंकलिन मिसिंग है यार, पता नहीं कहाँ पर है वो, किसने उसके साथ क्या कर दिया कुछ पता नहीं है, अभी भी कुछ भी पता नहीं लगा। हम बहुत मतलब कोशिश कर रहे हैं हर तरीके से, पर ढूंढ के निकाल ही नहीं पा रहे। खैर चिंता की बात नहीं, माइकल को मैंने सिर्फ स्पेशल इसी काम पर लगा के रखा है, फ्रैंकलिन के बारे में कुछ ना कुछ पता लग ही जाएगा। स्टार्टिंग में तो पूरी पूरी फैसिलिटी खाली है, इधर उधर कोई बंदा हुआ तो देख लेंगे। चल मेरे प्यार ट्रैवल ब्रो, ओके बढ़िया, बीच वाले एरिया पे बंदे हैं, चलिए इनको भी सुला डालते हैं एंड चेक करते हैं मिस्टर माइंड हमारे प्यारे भाई कहाँ पर है। अरे नमूनो जरा बोलो तुम्हारा बॉस कहाँ पर है, ऊपर है या नीचे है? नीचे तो होगा जरूर, या ऊपर नहीं हो तो कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं मैं ढूंढ निकालूंगा। लगन बोल रहा है इन्फॉर्मेशन पक्की है ट्रेवर, वो तो मैं अपनी आंखों से देख लूँगा कितनी पक्की है कितनी कच्ची है सारी चीज़ें। चल लो ट्रेवर जी फटाफट से आगे निकलो, चेक करते हैं यहाँ पर कोई है नहीं है इस वाले रूम में, चेक कर ट्रेवर, वैसे दिख गया है अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आगे जा करके चेक कर। यार यार ये मुझे लगता है डगन की ना इन्फॉर्मेशन गलत है थोड़ी सी शायद से, क्योंकि कुछ नहीं मिला, पूरी की पूरी फैसिलिटी खाली पड़ी है अमेजिंग लेवल। अब यार डगन नमूने क्यों मेरे को थकाते रहता है भाई, कुछ भी यहाँ पर नहीं है, एक बार फिर से कंफर्म कर लेता हूँ सारी जगह जा करके आगे पीछे। देखो ये वाले रूम्स तो मैंने देख लिए खाली थे, ये बाहर से दिख जाते हैं क्योंकि यहाँ पे विंडो है, मैंने देख लिया इधर कुछ नहीं है। इस वाले रूम को ये नहीं, दूसरा रास्ता है अंदर जाने कहीं से, एक रूम पीछे और था उसको वेरीफाई करते, नहीं तो उसके अलावा सिर्फ सीधा एक मेन लैब है, अगर वहाँ पर हुआ तो हुआ नहीं तो नहीं है। या तो देखो भाई इन्फॉर्मेशन बिल्कुल उसकी गलत है, या फिर ऐसा हो सकता है कि बंदा भाग गया हो, क्या पता यहाँ पे थोड़ी देर पहले कहीं पे चला गया हो और हम लेट हो गए आने में, इन दोनों में से कोई और पॉइंट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बाहर की तरफ आ चुका हूँ, बाहर की तरफ इसलिए आया हूँ थोड़ा स्पीड में क्योंकि मैं नीचे चेक तो कर ही रहा था, खैर वहाँ पे वैसे कुछ मिला नहीं है। जैसे ही मैसेज आया तो मेरे को बाहर निकलना पड़ा, डार्क किंग का मेरे पास मैसेज आया, डार्क किंग भैया हमसे मिलना चाह रहे हैं, तो चलिए फटाफट से डेजर्ट वाले एरिया पर निकलते दूर की तरफ, वहाँ पर ही डार्क किंग आया मुझसे मिलने के लिए, बोल रहा है ट्रेवर तुरंत मेरे पास आओ। मैंने बोला भाई सब तुम ही आ जाते हैं, बोल रहा है कि ट्रेवर जैसा बोला ऐसे ही करो, ज़्यादा बहस मत करो। मैंने बोला ठीक है भाई आ रहा हूँ, तो चलिए डार्क किंग से मिलना ही पड़ेगा जाकर के, मिल लेते हैं, बेचारा 2-3 दिन का मेहमान है, मतलब कि 2-3 एपिसोड का ही मेहमान है बेचारा, इसकी भी सुनी लेते हैं। चलो ट्रेवर जी जल्दी निकलते, डार्क किंग का बहुत ही अच्छा मोटिव था, डार्क किंग जिंदा क्यों वो भी आपको जल्दी सारी चीज़ें पता लग जाएगी। चलो वाले एपिसोड में लगभग ना 99% आपको सारे सस्पेंस पता लग जाएंगे, स्टार्टिंग से लेकर ट्रेवर की लाइफ से लेकर के जो हमारा एक एपिसोड से एपिसोड आ रहे हैं ना, कि ट्रेवर कैसे माफिया बना, ट्रेवर क्यों माफी लाइन में गया, कैसे ट्रेवर का फ्लैशबैक चेंज हुआ, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो भी हमारी लाइफ में आज तक हुई है, यही ये मैं सोचेगा 703 से मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, मतलब कि 703 से तो सिर्फ डेविड हमारी लाइफ में आया था, बट ट्रेवर तो बचपन से जीता आया है ना, ट्रेवर की लाइफ ना एक प्लान थी पूरी पूरी, वो आपको जल्दी पता लग जाएगी। चलिए ट्रेवर जी पहुँचो, डार्क किंग भैया से मिलने के लिए पहुँच गया हूँ, हमारा प्यार डार्क किंग कैसे खड़ा हुआ है, नाराज तो नहीं है? लास्ट एपिसोड में आपको पता ही है मैंने पंगा कर दिया था सही बंदों के साथ में, एंड सिस्टम के सारे बंदे मार दिए, वो बंदे जो मुझसे पंगा लेने आए थे, कुछ ही बंदे बचे होंगे, गिने चुने शहर में 500-1000 करीब। मेरे प्यारे डार्क किंग ब्रो नाराज हो? देखो तुमने ही बोला था ड्राइवर वो तुम्हें मारे तो मैं कुछ नहीं करूंगा, अब मैंने उन्हें मारा तो भाई तू भी कुछ मत करना, कभी तेरे ईगो हर्ट हो जाएगा, तूने ड्राइवर मेरे सारे बंदे मार दिए। देख भाई लड़ाई में सब चलता है, तूने बोला था तू मार, मैंने मारा,
डार्क किंग मुझे बोलता है कि ट्रेवर, मैं छोटी मोटी बातों पर गुस्सा नहीं करता। जंग में तू जीता, खुशी की बात है कि तू बहादुर बंदा है, बट तू मरने, मतलब वैसे मैं तेरे को मरने देता ही नहीं, बट फिर भी ऐसे हुआ नहीं ट्रेवर, तू सच्ची में बहादुर बंदा है, तूने सबको मार दिया एंड तेरे को कुछ कुछ भी नहीं हुआ। मैंने बोला क्या करें यार, ट्रेवर का तो मतलब वो कहते हैं लेवल ही बहुत तगड़ा है। मेरे डार्क किंग ब्रो आप कभी समझ नहीं पाओगे, समझ रहे हो ना, तो उनके सरदार तेरे को देख लूंगा। तो चलो इसकी बातें बताया तो मैं, इसने मेरे को क्यों यहाँ पर बुलाया, जल्दी से फटाफट से ट्रेवर ब्रो निकलो गाड़ी को लेकर के। तो हमारे प्यार डार्क किंग यहाँ पर एक अपने वजह से आए हैं, प्लान से आए हैं, क्योंकि आपको पता ही है मुझसे कुछ काम करवाने वाले, तो उसी प्लान को करवाने का एक हिस्सा है एक कप। अब कहते जोनेज को मैं कप ला करके मैंने दिया था, वही प्यारा प्यारा कप, वो बोल रहा है कि ट्रेवर उसको ढूंढ के लेकर के आओ, वो हमारे मिशन के लिए बहुत ज़रूरी है, कहीं से भी उसको लेकर के आओ। जोनेज का वो कप था, जोनेज को तुमने ही उसको दिया था। मैंने बोला ठीक है मेरे प्यार लाल, जा रहा हूँ। तो ठीक है चलिए इसको लेकर के आते थे, खैर अभी लेकर के आना पड़ेगा क्योंकि मेरे को भी जानना है आखिरी बंदे करने क्या वाले हैं। वैसे भी जोनेज तो मारा जा चुका है मेरा प्यारा भाई, अब कब का ही क्या करेगा वो मरने के बाद में, तो इसलिए कब को पता कर दो कब है कहाँ पर एंड उसके बाद में सारी चीज़ देख लेंगे। वैसे इसने कुछ नहीं बोला यार, नहीं तो मैंने सोचा था कि मैंने कल के एपिसोड में सिस्टम को मारा था, कुछ ना कुछ तो बोलेगा, गुस्सा करेगा। चलिए बढ़िया। और वैसे भाई अभी कोई लड़ाई नहीं होने वाली क्योंकि मैंने सभी को शांत कर दिया, मेरे जितने दुश्मन थे सब खत्म, अब तो ट्रेवर अकेला है बस, अब ये कुछ ही मेरे दुश्मन बचे, नहीं तो उसके अलावा दुनिया में कोई ट्रेवर को परेशान करने वाला नहीं बचा, क्योंकि दुनिया भर की आर्मी मेरे लिए काम करती है और बाकी जो छोटे मोटे दुश्मन थे वो भाग गए, बाकी सब तो मेरे लिए काम करती है, तो फिर अटैक ही कौन करेगा जब सबको तो मैं ही पाल रहा हूँ भाई। मैंने जोनेज के फ्रेंड को फ़ोन किया है, मैं ज़रा उसके पास ही जा रहा हूँ मिलने के लिए, उसके एयरपोर्ट में मैंने बुला लिया है, क्योंकि उसी से थोड़ा सा ज़रा पूछताछ करेंगे हम लोग कि मेरे प्यारे भाई ज़रा बोल यार कहाँ पर आखिर जोनी का कप है, क्योंकि मैंने जोनी को वो कप दे के रखा था आपको याद ही होगा, उसको मैं लेकर के आया था, उसने बोला था ट्रेवर ये मेरे खानदान की निशानी है, ये है वो है वगैरह वगैरह, तो मैं उसको गुफा से लेकर के आया था, आपको याद होगा, होना चाहिए वैसे वो एपिसोड ज़्यादा पुराना नहीं है, अगर आपने नहीं देखा तो फिर याद होने का मतलब नहीं है, नहीं तो आपको याद ही होगा। वो फिलहाल एक कप था बहुत बड़ा, वर्ल्ड कप की तरह लगता था, वो दिखने में गोल्डन कलर का था पूरा का पूरा, ऐसा बताया जाता था बंदे तो चाय पीते थे, कमाल की लेवल की बात है, बट पक्का नहीं बोलूंगा कि करते खाते सच्ची में। बट फिलहाल वो कप मैंने ढूंढा बड़ी मुश्किल से एंड फाइनली जोनेज को दिया भी था, उसी को ढूंढना चुका हूँ मैं जगह पर मेरे प्यारे भाई के पास में। हेलो जी चाचा जी कैसे हो, ये भी बहुत उदास है बेचारे तब से, वैसे सभी बंदे उदास है तो हाई कमांड के जब से जोन मरा है, देखो जोन के मरने से उदास है इसलिए नहीं कि मैं बॉस बना, ये तो इसलिए तो बहुत खुश है कि ट्रेवर को इन्होंने बॉस बना दिया, बट उदास सिर्फ एक ही वजह से रहते हैं। मेरे भाई चिंता मत कर सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे आपको एक बंदा याद होगा जिन, आपको याद होगा बंदा वो आया था एक टाइम में बहुत खतरनाक बंदा बन के, फिर बाद में उसने ट्रैकुला को मारा था मेरे साथ में, और उसके बाद में पता लगा ट्रैकुला जिंदा था, तब से लापता अंडरग्राउंड है भाई। मैं उसको फ़ोन लगाता हूँ कि यार आज कोई प्लान बना, फ़ोन करके बोलता है ट्रेवर भाई मुझे फ़ोन मत मिलाओ नहीं तो ट्रैकुला मुझे ढूंढ लेगा। मैंने बोला ठीक है यार तो जहाँ पर भी है सेफ रहे, देखो उसको मारने की जरूरत नहीं है, वैसे है तो दुश्मन पार्टी का बंदा बट वो मेरे लिए काम करता है, मेरा दोस्त है आजकल, तो मैं उसको नहीं मारूंगा लास्ट में, क्योंकि वो तो छुप के रह रहा है अपनी जान बचाने के लिए, 2-3 महीनों से अंडरग्राउंड है नमूना। हेलो जी कैसे हो भाई, अच्छा ज़रा यार बताओ कि मैंने जो तुम्हें फ़ोन में बोला था उस कप के बारे में, कहाँ मिलेगा वो कप, कुछ तुम्हें पता है जोन ने कहाँ पे उसको छुपाया था? मैंने इसको सारी बात समझा दी है, निकलता हूँ यहाँ से। माइकल का मैसेज आया मेरे पास है, माइकल बोल रहा है ट्रेवर मेरे भाई जल्दी मेरी जगह पर आ जा क्योंकि मैंने फिलहाल फ्रैंकलिन की लास्ट लोकेशन निकाल ली है। इसको सारी बात समझा दी है, बोल रहा है ठीक है ट्रेवर सर मैं ढूंढ के निकालता हूँ, चिंता मत कीजिए जैसे मेरे को पता लग जाएगा मैं आपको फ़ोन कर दूंगा। तो जब तक माइकल के पास पहुंचते हैं एंड पता करते हैं अपने प्यारे फ्रैंकलिन के बारे में कुछ भी जो पता लगाओ, क्योंकि फ्रैंकलिन बहुत दिन से मिसिंग है यार, और किसी ने कुछ कर दिया उसके साथ में, चौप घर पर ही है, ऐसा कभी नहीं होता कि फ्रैंकलिन हमारा लाल चौप को घर पे छोड़ के जाए, अगर वो कहीं घूमने भी जाता है कुछ करने भी जाता है तो चौप को हमेशा साथ में रखता है, ऐसा नहीं होता। 10 दिन से चौप अकेला घर पर है, बोर रहता है बेचारा, खाना है उसके पास अच्छी बात है बट खाता है एंड सो जाता है, और भाई फ्रैंकलिन के लिए परेशान है, बहुत ज़्यादा उदास है, रोता रहता है मन ही मन में। तो फ्रैंकलिन ऐसा कभी नहीं करता, मेरे को पता ही है, आपको याद ही होगा जब मैं भी कभी जाता था अगर लंबे टाइम के लिए, मैं तो अपने रोकी डोगी को ट्रेवर अपने हनीमून पे भी ले गया था आपको याद होगा, तो वैसे उस टाइम पे रोकी नहीं था अपनी लाइफ में बट डोगी तो था। पहुंच चुका हूँ मैं अपने प्यार प्यारे माइकल के पास में। अबे क्या हो गया तेरे का नमूने, पहले मेरे को बुलाता है फिर आगे जाता है, चक्कर क्या है भाई साहब, कुछ गड़बड़ है, अबे क्या हो गया, अबे भाई सस्ते नशे, माइकल तेरा दिमाग खराब है क्या, अमेजिंग लेवल, एक तो लाइट इतनी तेज है भाई सच्ची में आप देख नहीं सकते जल्दी से। माइकल हुआ क्या यार मेरे को बताएगा जरा, ये तो माइकल की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, लगता है इसने किसी को देख लिया शायद से। आगे बढ़ ट्रेवर मेरे भाई, जरा तुम भी आगे बढ़ो, माइकल की नज़र बड़ी तेज हो गई रखी अंधेरे में यार, मेरे को तो कुछ भी नहीं दिखा, मैं तो यहीं से आया हूँ। इस माइकल ने इसका मतलब एक पहले से किसी के ऊपर नज़र लगाए हुए है भाई, ऐसा हो सकता है, ये काफ़ी देर से यहाँ पर है ना, तो ज़रूर इसने कुछ ना कुछ तो देखा यहाँ पे। माइकल क्या हो गया, अबे कवर ले लिया तूने, चेक तो कर आगे जाकर कोई है भी या नहीं भी, ये तो भाई यहाँ पे फैल गया, ओके किस तरह बंदे कुछ तो है, ओके उधर गाड़ियाँ खड़ी है बहुत सारी, ठीक है आ जा आ जा आ जा, शोर मत मचा पीछे रह करके, देख रहा हूँ मैं सारी चीज़ें,
तो फिलहाल इसके हिसाब से सामने कुछ बंदे हैं। आगे निकलो ट्रेयर भाई, आगे निकलो जल्दी, ज़्यादा आगे मत जाना, बस एक बार चेक तो करो यहाँ पर है कौन, क्योंकि माइकल की नज़र बड़ी तेज़ है। अमेजिंग लेवल, तो माइकल इन बंदों को पर नजर रख रहा था, इसका मतलब माइकल को लगता है कि इन बंदों के पास फ्रैंकलिन है। अगर ऐसा है तो बढ़िया, चलो आगे चलो ट्रेयर ब्रो, आगे निकलो आगे निकलो। हेलो भाई कैसे हो, जरा इधर ले लो वे, आया बंद जल्दी से, ये मिले बैठे, ओके बहुत बढ़िया, आगे बढ़ ट्रेयर में डाल, आगे बढ़ जाओ, चल 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 चल। ओके दो चार बंदे देख रहे, सच्ची बताओ अंधेरे में बंदे ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं मुझे, क्योंकि एक तो गन का फ्लेयर इतना ज़्यादा आता है जब गन चलती है, ऊपर से अंधेरा बहुत ज़्यादा। ए ले भाई साहब आया मज़ा, चलो ठीक है मैंने बंदों को ख़त्म कर दिया, बढ़िया, एक तो बंदा ही बचा होगा जो इधर से है। ओके ये बंदा है इधर, ओके और कोई है, माइकल ब्रो सारे मर गए, आ जा चेक कर फटाफट से कौन सा बंदा क्या जानता था फ्रैंकलिन के बारे में, जल्दी इन्फॉर्मेशन निकाल क्योंकि मेरे को अपने दोस्त को बचाना है। बंदों से डंडा बजा के अच्छे तरीके से पूछताछ हम लोगों ने कर लिया है, माइकल को मैंने भेज दिया सेफली कि तू भाई आर्मी बेस पर जा, बाकी मैं संभाल लूंगा। तो फिलहाल इन्फॉर्मेशन ये हम लोगों को मिली है कि अपने प्यारे मेरे बाला वाले बंदे इन्वॉल्व हुए इस चीज़ में, उन नमूने बंदों ने ना ज़रूर फ्रैंकलिन के साथ कुछ कर दिया है। ये बंदे बोल रहे कि ट्रेवल सर हमें बस इतनी इन्फॉर्मेशन है कि बाला वाले को काम दिया गया था एंड उन्हीं बंदों ने फ्रैंकलिन सर के साथ कुछ किया है, या तो मर्डर किया उनका फिर उनको किडनैप किया है। मैंने बोला थैंक यू, मैंने लानो थैंक यू इन्फॉर्मेशन देने के लिए, मेरी प्यारी गाड़ी यार सुप्रा जी अभी ये टाइम नहीं है स्लिप करने का, अभी आप सीधी चलिए ताकि हम जल्दी से जगह पर पहुँच सकें। जगह पर पहुँच चुका हूँ मैं, पहले मैं गया ग्रोव स्ट्रीट पर क्योंकि बाला वाले को वही मेन अड्डा है, उसके बाद मेरे को वहाँ पर जाके पता लगता है कि ट्रेवल सर बाला वाले बंदे बहुत सारे आज नाले की तरफ में हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, मैंने सोचा साफ सफाई कर रहे होंगे, पर लगता है यहाँ पर कोई प्लानिंग बनाई जा रही है बहुत तगड़े वाली। देखो अभी फिलहाल चोर के साथ जा करके मतलब के बंदर के साथ जाके चोरी करने वाला टाइम नहीं है, वो अलग सिचुएशन थी, अब ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए जो कोई सामने बंदा होगा वो मरेगा, चाहे यहाँ पे बंदर ही क्यों ना हो, पीट करके इनसे पूछताछ करनी पड़ेगी क्योंकि वैसे भी हमारे सब कुछ एंड ही चल रहा है। तो अभी कोई ज़्यादा बंदों के साथ घुल मिलने की जरूरत नहीं है कि भाई अगर मैं एक्सपोज हो गया तो क्या होगा, पिछली बार आपको बताइए बाला वालों को मैंने क्यों नहीं मारा था, ताकि मैं अपना आउटफिट ख़राब नहीं करने वाला था, पर अभी ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। एले नमूनों के सरदार आ जा बेटे आ जा फटाफट से, चल 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 जल्दी, ओके ये गए खत्म, आ जाइए बाहर निकलिए, बहुत बंदे यार जितना सोच रहे उससे तो ज़्यादा ही है, उससे तो ज़्यादा ही है। एलो भाइयों कैसी लगी, आया मज़ा, दोस्त हो रही बट तुम्हें तो इसी चीज़ से सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो ठीक है लगभग सारे बंदे मारे गए हैं, अब जो एक तो जो बंदा उड़ गया होगा ना अब उससे पूछताछ करेंगे हम, और मेरा प्लान बिल्कुल ठीक था, यहाँ पर एक बंदा बिल्कुल सेफ है अभी तक, इसका दम नहीं निकला एंड इसके पैर में गोली मारता हूँ एंड इससे पूछताछ करते हैं, लगता है इसके अलावा एक बंदा और पड़ा हुआ है। अबे नमूने मानेगा नहीं तो हंसते भाई साहब, तो ठीक है चलिए ये बंदा भी सुला दिया मैंने। मरते वरते वैसे बंदे ज़्यादा झूठ बोलते नहीं हैं, बंदे ने मुझे बोला कि ट्रेवल सर झूठ नहीं बोलूँगा सच्ची में, ये कॉन्ट्रैक्ट हमें जोन एच की गैंग से ही मिला था, जोन एच के लिए काफ़ी गैंग्स काम करती है, तो उन्हीं की एक गैंग ने हमें कॉन्ट्रैक्ट किया था कि जा करके तुम्हारे दोस्त को पकड़ लो। बढ़िया भाई बढ़िया, अमेजिंग लेवल, मतलब जोन एच की गैंग ने ही मेरे मतलब कि अपने मेरे दोस्त को पकड़वाया, जोन एच सही था दुश्मन था यार, अब तो मेरे को कन्फ्यूज़ कर दिया, मर गया वो अलग बात है, बट उससे मरने से पहले क्या होता है उल्टे काम करना सोच रहा हो एंड उसकी किस्मत ख़राब हो गई, डार्क किंग ने उसको मार दिया, वो तो कुछ भी सकता है ना। लेस्टर को मैंने सारी बातें बोल दी है, लेस्टर इस चीज़ की जड़ तक पहुँचता है थोड़ी देर में, जब तक वो करता है काम शुरू, जब तक हमें भाई फिलहाल एक इन्फॉर्मेशन और मिली है। देखो मेरे को बोला है बंदने के ट्रेवल से एक बार यहाँ पर भी जाकर के चेक कर लो, क्या पता मिस्टर मैंड आपको यहाँ पर मिल जाए, ठीक है भाई मैं जाऊँगा, मैं चांस नहीं छोड़ूंगा एक भी, क्या पता मैं किसी जगह को मिस कर दूँ एंड हमारे प्यारा भाई वहीं पर बैठा हो चुप करके। जगह पर पहुँच चुका हूँ मैं, तो फिलहाल भाई यहीं से एंट्री है एक टनल के नीचे जाने की, बंदे बोल रहे हैं कि यहाँ से एक टनल मिलेगा ट्रेवल सर आपको सीक्रेट वाला, उस टनल को क्रॉस करने के बाद में पड़ेगा आपको गैरेज, तो देखते हैं उस गैरेज में मिस्टर माइंड है या नहीं है, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से बंदे ने ढूंढ निकाली, जगह बहुत सीक्रेट है। दरअसल इसके मतलब यहाँ पर भी चेक करने के लिए मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि आज से 25 दिन पहले ना मिस्टर माइंड को यहाँ पे देखा गया था, करंट में है या नहीं है कन्फर्म नहीं है, 25 दिन पहले कैमराज में यहाँ पे आते जाते कैप्चर हुआ था, तो क्या बताओ यहीं पर रहता हो, उसने सोचा हो ये जगह अभी भी सीक्रेट है, पता लग जाएगा। ट्रेवल ब्रो जरा अंदर निकलिए फटाफट से, पहुंच चुका हूँ मैं नीचे की तरफ, टनल तो है मुझे लगता है गैरेज भी होगा, इसके अलावा इन्फॉर्मेशन यहाँ तक तो ठीक है, बस हमारा मिस्टर माइंड भी यहाँ पर मिल जाए तो ज़रा उसका माइंड को पीट करके उसको ज़रा सच्चाई पूछ रही है मेरे को उससे बहुत सारी, कि बेटे तूने फ्रॉड किया मेरे को, ट्रेवल के पापा के नाम से तूने मेरे को चूना लगाया, डायमंड लेके भागा, उससे मैं सिर्फ इसीलिए गुस्सा हूँ, नहीं तब उसको कुछ काम नहीं है, बट उसको सबक तो सिखाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि मेरे प्यारे लाल अगर तूने फ्रॉड ही किया ना मेरे साथ, मतलब कि अगर तूने मेरे को धोखा दिया तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, चाहे तू कहीं भी भाग जाए, बस गया नमूना शायद से आज तो। ट्रेवल अंदर निकल भाई, मैं अंदर की तरफ पहुंच चुका हूँ, अपना लक लग गया इसको कहते हैं भाई, असली किस्मत मिल गया नमूना का सरदार, इसका मतलब मिस्टर माइंड ने सोचा कि ये जगह अभी भी सेफ है, ट्रेवल यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाएगा,
रहा मेरा प्यारा लाल मिस्टर माइंड, यहाँ पे भाई कुछ रोबोट्स बना रहा है सच्ची में। तो मिस्टर माइंड की कमर तोड़ने से पहले इन रोबोट्स को गोली मारनी पड़ेगी, क्योंकि क्या पता है रोबोट्स तगड़े हो भाई और मेरे को मार डाले। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो कर रहा है अकेला खड़ा होकर के। काम शुरू करे मेरे प्यारे मिस्टर माइंड, ले बैठे जल्दी 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 जल्दी। एंड ये तुम्हारे रोबोट्स भी गए, इसका तो शुरू नहीं है भाई ये, मैंने तो फिर ये मार दिया। मिस्टर माइंड के रोबोट्स ही स्टार्ट नहीं है शायद से, ऐसे ही खड़े थे। ये लो बेचारे का फ्यूल भी निकल गया। हेलो प्यारे प्यारे मिस्टर माइंड, पैर में गोली खा के कोई नहीं मरता ना मुने, तेरे को मरने भी नहीं देगा ड्राइवर। यहाँ पे DNA मशीन लगा के रखे तूने, बहुत सारी रोबोट्स खड़े करके रखे, क्या कर रहा था? फंस गया फाइनली आ जा करके। नमूनों के सरदार तेरे को तभी बोला था ड्राइवर से पंगा मत ले मत ले। क्या यार ड्राइवर, पूछताछ ही कर रहे थे, चुपचाप आ गए कर लेता यार, प्यार से पूछता मैं बता देता, गोली क्यों चलाई पता है, बड़ा दर्द हो रहा है। अरे मेरे भाई, मैं तेरे कभी खिलाफ नहीं था यार, मेरी बात जरा ध्यान से सुन, तेरे को बहुत जरूरी जरूरी बातें बताऊंगा जिससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एंड हाँ यार, मेरे को माफ कर देना। देख मेरे भाई, मैं जो कुछ करता हूँ मेरे मालिकों के कहने पर करता हूँ, मैं सिर्फ उनके गुलाम हूँ यार, बुरा मत मानना, तेरे लिए कोई नफरत नहीं है ड्राइवर, ना कोई हेट है। देख वक्त आने पर मैंने तेरी हेल्प भी करी चुपचाप चोरी से, और जब मेरे मालिक जो मेरे करने को बोलेंगे वो मैं करता हूँ ड्राइवर, प्लीज यार। देख अब मेरे मतलब के मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, प्लीज मुझे माफ कर देना, बस मेरी बात ध्यान से सुन, सब कुछ बताता हूँ तेरे को मैं, हर एक चीज शुरू से लेके एंड तक, मेरी बात ध्यान से सुन ड्राइवर। मैंने इसकी बातें सुन ली है, इतना बड़ा धोखा किया मेरे साथ में यार डार्क किंग वगैरह बंदों ने, इसकी वजह तो पता लगी नहीं है, नहीं है वजह तब तक मिस्टर माइंड का पता, पर दरअसल ना इनको कुछ जानना था रॉबर्ट फिलिप्स के दिमाग से, अमेजिंग लेवल। अभी आपको एक झटका दूं, नहीं समझे तो समझा देता हूं, रॉबर्ट फिलिप्स भाई जिंदा है ही नहीं कभी से भी। ये बोल रहा है कि ट्रेवर रॉबर्ट फिलिप्स को तो बहुत सालों पहले मार दिया गया, वो आज से जिंदा नहीं है, वो तो मर चुके बहुत टाइम पहले ही। बट हमारी किस्मत क्या अच्छी थी, रॉबर्ट फिलिप्स की बॉडी हमारे पास थी बहुत टाइम पहले, तो तब से ना हमारे पास उनका थोड़ा सा ब्लड था, उनका ब्लड सैंपल आज तक भी ट्रेवर हमारे पास रखा हुआ है मेरी लैब में, क्योंकि मैं कभी भी किसी सैंपल को मतलब फेंकता नहीं हूँ, संभाल के रख लेता हूँ। तो कुछ महीने पहले मालिक का मेरे पास फोन आया, बोला कि एक काम कर माइंड, मालिक ने मतलब के फैंटम ने ऑर्डर दिया होगा, कि मालिक ने मुझे ऑर्डर दिया है, यहाँ पर फिलहाल तो अपने वो लैब का ट्यूब है ना, उस लैब के ट्यूब में फटाफट से डाल करके रॉबर्ट फिलिप्स का थोड़ा सा ब्लड उनका क्लोन बना। क्लोन बनाने से पहले वो मशीन ले करके मतलब के उस मशीन को यूज़ करना जो इनके पास में एक मशीन भी है इनके पास में, वो जो किंग कोबरा के पास में भी है, जिससे आप माइंड में कुछ चेंजेस कर सकते हो, मतलब कि मेमोरी के साथ खेल सकते हो, जैसा मेरे क्लोन ट्रेवर के साथ किया गया था। आपको याद होगा हाई कमांड ने मेरा भी क्लोन बनाया था, मेरी मेमोरी मिटा करके ऐसा बताया गया था कि वो बंदा कहीं और से आया है एंड मैं उसका दुश्मन हूँ एंड वो मेरे को मार देगा। तो ऐसे ही सेम रॉबर्ट फिलिप्स के साथ पता क्या किया इन्होंने, उनका देखो सेम क्लोन बनाया। क्लोन बनने के बाद में उनके अंदर मेमोरी वहां तक आई जहां तक वो मरे नहीं थे, समझ रहे हो, उसके बाद उनकी फेक मेमोरी बनाई गई उनके अंदर। मतलब के एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, मान लो रॉबर्ट फिलिप्स आज से 20 साल पहले मारे गए, तो 20 साल पहले उनकी मेमोरी वहीं पर रुक गई थी, सीधी सी बात है 20 साल में दुनिया में क्या हुआ उनको कुछ नहीं पता। तो जैसे ही इन्होंने उनके खून को यूज़ करके क्लोन बनाया तो वो 20 साल पीछे थे। उसके बाद में इन्होंने क्या काम किया, अपने सॉफ्टवेयर को यूज़ करके 20 साल की फेक मेमोरी उनके दिमाग में डाली कि उन्होंने सारे काम किए। टेम्पल तो उनको मिल गया था, खैर वो सच्ची बात है, बट उसके बाद उनको वो तो मर गए थे ना, तो उसके बाद में उनकी मेमोरी नहीं थी, बट उसके बाद भी उनके दिमाग में मेमोरी बनाई गई कि उन्होंने सालों साल लगा दिए उस रिंग को ही करने में, सारा काम करने में, ताकि उनको ऐसा लगे कि वो सच्ची में जिंदा इंसान है, समझ रहे हो भाई। ये सारा काम उन्होंने ऐसा किया ताकि वो रॉबर्ट फिलिप्स की मेमोरी को यूज़ कर सके, कुछ खास चीज़ जान सके, क्योंकि ये फाइनल वॉर है आपको बताया, और फैंटम एंड डार्किंग कोई मुसीबत नहीं चाहते, क्योंकि ये इस सालों से प्लान बना के रखा है। ये प्लान 3 या 4 हज़ार साल पुराना है बंदों का, एंड वो किसी भी चीज़ को लेकर के रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए रॉबर्ट फिलिप्स को बनाने का सिर्फ यही मोटिव था, ताकि उसके दिमाग में से कोई भी चीज़ अगर ऐसी हो जिससे उनको फ्यूचर में नुकसान होगा, या कोई भी ऐसी चीज़ वो ट्रेवर के लिए छोड़ के चले गए हो जिससे ट्रेवर कुछ उनका नुकसान कर दे, या फिर कोई भी ऐसा राज जो रॉबर्ट को ही पता हो, तो वो जान सके। बट जैसे कि उन्होंने देखा उसके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ नहीं मिली उनको कुछ भी बाद में, तो फिर उन्होंने सोचा कि रॉबर्ट फिलिप्स के दिमाग में तो कुछ है नहीं, क्यों ना एक काम करते रॉबर्ट फिलिप्स को भेजते ट्रेवर के पास में, ताकि ट्रेवर को कुछ पता हो, या फिर ट्रेवर के दिमाग में कुछ भी हो, या फिर रॉबर्ट फिलिप्स ट्रेवर को देख के कुछ याद करे, कुछ तो करेंगे क्योंकि थे तो उसे क्लोन ही रॉबर्ट फिलिप्स के रियल क्लोन, के ट्रेवर के पास रहेंगे तो कुछ हमें पता चलेगा इन्फॉर्मेशन हमारे फ्यूचर प्लान के बारे में कुछ भी वगैरह वगैरह। बस यही एक मेन वजह थी रॉबर्ट फिलिप्स को मेरे पास भेजने की भाई। तो इसका मतलब आज तक ट्रेवर के पापा कभी ट्रेवर के पास रियल में नहीं आए, देखा जाए तो नकली भी नहीं है, बट देखा जाए तो असली भी नहीं है, उनका प्यार असली था। इसका मतलब जो क्लोन सेम इंसान का ही मेन होता है पार्ट,
कोई असली और नकली फर्क नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि वो रोबोट थे, वो थे रोबोट फिलिप्स ही, बट फिलहाल कम पावर वाले, मतलब कि जब चाहे उनकी पावर बढ़ा सकते थे, जब चाहे उनकी पावर घटा सकते थे। इसीलिए जब उनका काम ख़त्म हुआ, आपको याद है वो टेलीपोर्ट हो गए थे, मुझे सही करने से पहले वो लैब में से गायब हो गए थे। दरअसल वहाँ पर ना रिंग को कुछ खतरा था, ये ऐसा बोल रहा है कि ट्रेवर टेम्पल में ना मिस्टर माइंड घुस गया था, मतलब मिस्टर माइंड बोल रहा हूँ, मिस्टर माइंड तो यही है, अपना प्यारा मास्टर जेड घुस गया था। इस वजह से उनको वहाँ पर तुरंत टेलीपोर्ट करवाया गया हमारे मालिक ने अपनी पावर को यूज़ करके, एंड ताकि वहाँ पर उससे जा करके बातें करी गई, दो चार बातें उसको समझाई रोबोट ने, ताकि वो रिंग को ख़त्म ना करे। मास्टर जेड रिंग ही ख़त्म करने पहुँच गया था, अमेजिंग लेवल का इंसान है। बस जो भी उनके बात हुई, इसको पूरी बात नहीं पता, बट पॉइंट यही कहने की बात है, वो सिर्फ एक ऑर्डर से चलता है सारी बातें, क्योंकि जब उसको वो यूजलेस हो गया, तो उसके बाद में उसके माइंड में चिप भी थी रॉबर्ट फिलिप्स के, जिसको ये बंदे बाद में कंट्रोल करने लग गए। एंड आज की डेट में कंट्रोल करने का ये हिसाब है कि रॉबर्ट फिलिप्स अपने होश में नहीं है, एंड रॉबर्ट फिलिप्स अब पहले से वीक भी बना दिए गए हैं। पहले वो पावरफुल थे क्योंकि ये चाहते थे, अब उनको वीक कर दिया, इतना वीक कि अगर उनको कुछ गोली मारोगे हम लोग, मतलब कि आप लोग या हम लोग कोई भी मारेगा, तो रॉबर्ट फिलिप्स तुरंत मर जाएंगे। तो इसका मतलब होने वाला है काम खराब, क्या ही बोले यार। टेस्टर सच बोल रहा था, इसका मतलब नमूना, इसका मतलब सच्ची में टेस्टर जी को रॉबर्ट फिलिप्स ने मारा, क्योंकि रॉबर्ट फिलिप्स अब दुश्मन की तरह काम कर रहे एक तरीके से, क्योंकि उनके प्रोग्रामिंग में यही सारा काम कर दिया है कि अब चुन चुन के उन बंदों को मारो जो ट्रेवर के लिए, मतलब कि हमारे लिए नुकसान बनेंगे। टेस्टर जी मेरे लिए टाइम मशीन बनाते, और टाइम मशीन बनाने के बाद में इन सबके प्लान को फेल कर देता, एंड में पीछे पहुंच जाता, सब कुछ सही हो जाता। इसलिए रॉबर्ट फिलिप्स को यूज़ किया उन्होंने, उसके चिप के ऑर्डर डाला कि जहाँ रॉबर्ट जाकर के टेस्टर जी को मार दे। लिंक से लिंक बैठ गया, कन्फ्यूज मत होना बिल्कुल भी, बहुत ही सिंपल फ्लैशबैक है रॉबर्ट जी का। मैंने इससे बातें कर लिया कि भाई अब पता करना क्या है, ये बोल रहा है कि ट्रेवर कोई चारा नहीं है। लास्ट इंस्ट्रक्शन मेरे पास बस यही थी, लास्ट अपडेट यही मैंने दिया रॉबर्ट फिलिप्स की मेमोरी में कि वो तुम्हारे सारे खतरने वाले बंदों को मार दे, एंड अगला टारगेट लेस्टर भी हो सकता है, क्योंकि लेस्टर भी तुम्हारा बहुत साथ देता है इस जंग में, क्योंकि फैंटम एंड डार्क किंग कोई चांस नहीं चाहते ट्रेवर, तुम्हारे पापा को इसलिए बनाया सिर्फ ताकि कोई एक भी रिस्क ना हो इस काम में, क्योंकि 4000 साल नहीं तो ख़राब हो जाएंगे उन बंदों के, इसलिए तुम्हारे साथ सारा काम किया। पहले उनके दिमाग को चेक किया, फिर तुम्हारे पास भेजा, तुम्हें चेक किया, क्या पता तुम कुछ उनको बताओ या फिर कुछ तुम्हारे पास ऐसा प्लान हो। जब उन्हें पता लगा कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं मिली, तो उनको वापस बुला लिया, वापस बुलाने के बाद उनको फिर से वीक बना दिया, क्योंकि वो पावरफुल रहते तो उनमें दिमाग तो थाई रोबोट सीख गई भाई, आपको बताइए। उनको नहीं पता कि वो क्लोन है, वो तो यही समझते कि मैं ट्रेवर का पापा था, बट था, अब नहीं समझते, क्योंकि अब उनके चिप पीछे जो एक्टिवेट है वो एक्टिवेट कर दी गई है, जिससे उनकी मेमोरी बदल गई पूरी तरीके से, जिससे वो बन चुके हैं सिर्फ एक तरीके के दुश्मन ट्रेवर के, मतलब कि मेरे उन सभी बंदों को मारेंगे जो मेरे लिए फ़ायदा करने वाले हैं। अब वो रॉबर्ट फिलिप्स नहीं है एक तरीके से, कुछ दिन तक थे जब तक वो मुझे सही करने वाले थे। फ्रेडी को भी मार दिया उन्होंने, क्योंकि वो रॉबर्ट फिलिप्स ही थे एक तरीके से, एक लोन बट थे तो ट्रेवर के पापा ही ना। बहुत बुरा हुआ भाई, कन्फ्यूज मत हो ना, मैंने आपको सारी बातें बता दी है, चलिए निकलते हैं यहाँ से। तो इसका मतलब रॉबर्ट फिलिप्स अपने होश में नहीं है, एंड पहले से वीक भी है, एंड इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो मेरे दोस्तों को मार रहे हैं। बढ़िया भाई बढ़िया, तो इसका मतलब हम परेशान होने वाले हैं यार, पता नहीं क्या से क्या होगा, बड़ा बुरा हो गया ये सुन के, मेरे को बहुत दुख हुआ। तो इसका मतलब सच्चे रॉबर्ट फिलिप्स आज तक कभी मेरी लाइफ में आए नहीं थे यार, बड़ा बुरा हुआ यार, बड़ा बुरा हुआ। ठीक है मिस्टर माइंड, तेरे को बाद में देख लूँगा, मैं निकलता हूँ यहाँ से, इसको मारने की कोई वजह नहीं है, निकलता हूँ यहाँ से, मैं यहाँ से निकल पड़ा हूँ। एंड फिलहाल मेरे पास फ़ोन आया अपने प्यारे प्यारे भाई का, जोरेज का जो दोस्त है, पहुँचता हूँ उसके साथ भी जाकर के बात कर लेता हूँ। यार मेरे को बड़ा दुख हो यार रॉबर्ट जी की हिस्ट्री जान करके, यार बेचारे के साथ क्या खेल खेला गया। ये क्लोनिंग बड़ी बुरी चीज़ है सच्ची में, बेचारे वो तो अपने आप को पहले तो यही समझते थे कि मैं सच्ची हूँ ट्रेवर का पापा हूँ, मैंने भी समझा, बट वो सब कुछ एक नकली भ्रम था, वैसे असली भी था एक तरीके से, बट 20 साल की तो फेक मेमोरी थी उनके अंदर, अमेजिंग लेवल यार। एंड फिर उसके अलावा बाद में उनको पूरा रिप्लेस कर दिया, अब वो मेरे पापा एक तरीके से है भी नहीं, क्योंकि उनका दिमाग पूरा ही बदल दिया गया है। कुछ दिन तक तो थे बट फिलहाल बड़े चालाक यार ये बंदे डार्क किंग एंड फैंटम। मैं अपने दोस्त के पास पहुंच चुका हूँ, इससे बातें मैंने कर ली है, बंदा बोल रहा है ट्रेवर सर आगे निकलिए, आगे कुछ बंदे मैंने ढूंढ निकाले, यही आपको इन्फॉर्मेशन देंगे सारी चीज़ों की। तो मैंने बोला ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो देखते हैं भाई यही बंदे हैं जो हमारे प्यारे लाल भाई के पास कप है। दरअसल पता क्या हो गया, कप चोरी हो गया। ये बोल रहा है कि ड्राइवर मैं गया कप की जगह पर, ढूंढते ढूंढते मेरे को पता लग गया कि कप फिलहाल कहाँ पर रखा था जोनेज ने, और उसके बाद फिर जब मैं जगह पर गया तो कप गायब। फिर मैंने कैमरास को चेक किया, कुछ हिस्से निकाली, कुंडे निकाली, तो पता लगते लगते मेरे को ये पता लगा कि यही बंदों का हाथ है कप को चुराने में। बताओ यार कप चोरी भी होगा जोनेज के मरते ही, हम तो अभी पता लगा यार। चलिए बढ़िया, अच्छा मैंने जोनेज के दोस्त की हेल्प ली, क्योंकि इस बंदे ने मेरी कम से कम थोड़ी सी हेल्प कर दी ना,
हेलो जी, कैसे हो जी? अबे नमूनों का सरदार, तुम्हें सबको देख लिया जाएगा। अरे फिलहाल आप सोच रहे होंगे कि ट्रेवर के पापा तो कभी असली थे ही नहीं, फिर ट्रेवर के नेक्स्ट सीरीज में ट्रेवर के पापा मोम कैसे आएंगे, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप चेक कीजिएगा, आपको सारे लिंक से लिंक जुड़ जाएंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। एंड ट्रेवर की नेक्स्ट लाइफ इतनी अच्छी होने वाली है, इतनी ज़्यादा अच्छी होने वाली है कि इसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ना तो ट्रेवर किसी पैसों के कमजोरी में रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। एंड ट्रेवर की एक ऐसी अमेजिंग जॉब होगी जो आप कभी नहीं सोच सकते, मतलब इतना अच्छा काम करेगा। इस वाली सीरीज में ट्रेवर ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, पर नेक्स्ट सीरीज में आपको देखेगा ट्रेवर कैसा मिलने वाला है। अमेजिंग लेवल होगा ट्रेवर को देख करके। बंदे सारे मार दिए, इनके फ़ोन का डेटा चेक करता हूँ, बंदे कुछ होश में आएंगे तो उनको उठा के चेक करता हूँ। इनकी बंदों की फ़ोन के हिसाब से एक लोकेशन मिली है। ट्रेवर गाड़ी उठा ले भाई, गाड़ी उठा ले। मैंने चेक करवाया लेस्टर से सारी चीज़ों को, तो लेस्टर के हिसाब से बोल रहा ट्रेवर एक जगह की मेरे को लोकेशन तो आई है, वहाँ पे जाकर के चेक कर ले क्या, तो वहाँ पे कब को रखा गया हो। तो ठीक है, मैं अपने भाई फ्रेंड को बोलता हूँ, चल मेरे भाई यार जल्दी से निकल, चल चेक करते हैं, आ जा भाई। मैंने फ्रेंड से बात कर ली जोनेज के, बोल रहा है कि ट्रेवर तुम निकलो यार, मैं आता हूँ, तुम मेरे को जगह बता दो कहाँ पे जाना है। मैंने उसको जगह बता दिया, बोल रहा है कि ठीक है ट्रेवर को 2-3 काम खत्म करने हैं, मैं उसके बाद तुम्हें जगह पर ही मिलूंगा। मैंने बोला ठीक है ब्रो, पहुँच जाना, मैं निकलता हूँ तरह। तो ठीक है, चलिए पहुँचते भाई जगह पर। ज़्यादा दूर नहीं जाना, आपको याद है मेरा शोरूम कहाँ पर है, बस उसी वाली गली वाले एरिया में जाना है। वैसे दूर भी है, पास भी नहीं है, बट देखो जाना तो पड़ेगा ही भाई, बड़ा बुरा हुआ। तो फिलहाल भाई इसी के साथ साथ मैंने पूरा फ्लैशबैक बताया था आपको रॉबर्ट फिलिप्स का, अब से लेके जब तक, अब लगता है फ्लैशबैक में कोई ज़रूरत नहीं रॉबर्ट फिलिप्स के बारे में कुछ बताने की, क्योंकि रॉबर्ट फिलिप्स की लाइफ में अब जो आए थे वो सारी चीज़ें मैंने बता दी है। पुरानी चीज़ें अगर कुछ छोटी बड़ी चीज़ें हुई वो आपको बताऊंगा संडे वाले एपिसोड में, क्योंकि संडे वाला एपिसोड जो आएगा उसी में आपको सारी बातें बतानी है। मेरे को बहुत टाइम भी लग सकता है, बट कोशिश यही करूँगा कि 10-15 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको सब कुछ समझा दूँ। ज़्यादा नहीं लगेगा, 10-15 मिनट में ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने साथ साथ बहुत सारे एपिसोड्स में आपको बहुत सारे सस्पेंस धीरे धीरे क्लियर कर दिए, इसलिए, क्योंकि नहीं तो एक साथ सारे सस्पेंस बताता तो बहुत ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा हो जाती एंड बहुत टाइम लगता है उनको बताने में, इसलिए मैंने धीरे धीरे बहुत सारी बातें आपको ऑलरेडी पहले ही बता दी है। पहुँच चुका हूँ मैं जगह पर, चलिए भाई चेक करते हैं कि आखिर कहाँ पर हमारे प्यारे प्यारे लाल है। अरे वाह, बहुत सारे बंदे। अबे नमूनों के सरदार, कैसे खड़े हो बे? भाई हाथ में आरपीजी है, डुब जाता हूँ, कुछ तो गड़बड़ करने वाले हैं सभी के सभी नमूने बंदे। अबे ट्रेवर सर गाड़ी आगे ले, डैन चल रहा है नमूनों का। अबे बहुत मारूंगा अगर तूने आरपीजी मार दी, इसका मतलब मेरे आने की खबर पहले से थी। बढ़िया भाई बढ़िया, बंदे पहले से अलर्ट है, इसका मतलब कोई बंदा अभी भी एक्टिवेट है, मतलब एक्टिवेट बोल रहा हूँ, एक्टिव है अभी जो इस चीज़ के पीछे है। हेलो जी, अबे इधर देखो बे चंपू, तुम्हारा पापा ट्रेवर पीछे पहुंच गया। अरे पीछे ट्रेवर पीछे, थोड़ा पीछे बस। अब देखता हूँ इन नमूनों को मैं, आरपीजी मारोगे इतने बड़े हो गए तुम लोग, सीधा कर दूंगा एक मिनट में मैं। आ जा ट्रेवर, आ जा, ये ले बैठे, चल जल्दी, ये बंदा खत्म, इधर चल जल्दी। अरे बार ट्रेवर मार जल्दी, ओके ये भी गया, बहुत बढ़िया, मारो, मारने की जरूरत नहीं, तुम खुद ही मर जाओगे नमूना आपस में आरपीजी मार के, तो पता नहीं आरपीजी का डैमेज क्यों तगड़ा होता है, इधर पिट के ही मारेगा क्या भाई। ओके मेरी गाड़ी फंस गई है, अरे मेरी किस्मत ही खराब है। नहीं भाई निकल गई, बढ़िया। तो लगता है मैंने बहुत सारे बंदों को सुना डाला एंड अभी आ रहा है, इधर आ जा। ओके लग गई है, बॉडी पे तो लगी है बट पूरी नहीं लग पाई, पता नहीं कहाँ से। ओके ये बंदा खत्म, मार, तो खुद मरेगा, मार, देखता हूँ तेरी अकल कितनी है, मार मेरी गाड़ी है, मार एंड खुद भी सो जा। अबे मारना नमूने, बहुत बढ़िया, चलिए ये मरा। अरे यार मरा नहीं यार, अबे कौन से बाबा कैप्सूल खाया तूने, मार जल्दी एक और मार, मर जा। ओके आया मजा नमूने के सरदार, अकल देखो उनकी अकल बड़ी है, भैंस ही बड़ी होती है वैसे तो। चलिए मेरे प्यारे भाई जल्दी से निकलो। ओके ठीक है, मैंने सही बंदे मार दिए, अंदर निकल के चेक करता हूँ। एक और फैसिलिटी है भाई यहाँ पर भी, कितनी फैसिलिटी है लॉस सैंटोस में यार, इतने घर नहीं होते जितने फैसिलिटी होती है लॉस सैंटोस में। चलिए आगे निकलो ट्रेवर भैया, कोई है क्या? पूरा एरिया ही खाली पड़ा हुआ है, मुझे लगता है हमारा प्यारा दोस्त फ्रैंकलिन भी नहीं मिलने वाला एंड ना कब मिलने वाला, एंड कब तक ढूंढना ही पड़ेगा, तभी तो पता लग पाएगा मैं फैंटम के राज के बारे में, बाकी और चीज़ों के राज के बारे में जो भी है वो तो पता लग जाएगा। यार मास्टर जेड के बारे में बड़ी खतरनाक बात पता लगी, मास्टर जेड नाम का बकरा रिंग खत्म करने वाला था यार, वो तो तुरंत एकदम इन सभी को पता लग गया डार्किंग वगैरह को, एंड उन्होंने एकदम से टेलीपोर्ट करा रॉबर्ट फिलिप्स को वहाँ पर, ताकि वो जाए एंड उसको समझाए कि रिंग खत्म ना करे। सही है भाई, एंड मास्टर जेड मान भी गया यार शायद से, चलिए बढ़िया। एंड फिर उस दिन के बाद से रॉबर्ट फिलिप्स अपने होश में नहीं है, मतलब कि उसी दिन बस उनको ख़त्म कर दिया गया था एक तरीके से, उनके माइंड की चिप को एक्टिवेट किया एंड उनकी मेमोरी इरेज करके उनको एक तरीके से रोबोटिक इंसान बना दिया। अब तो बस वो मेरे मतलब के दोस्तों को मारते हैं। टेस्टर जी बेचारे मारे गए, टेस्टर जी का मेरे को बड़ा दुख है, क्योंकि टेस्टर जी लौते इंसान थे जो टाइम मशीन बना सकते थे,
एंड दी एंड। अब मेरे को देखो रोबो का यार मतलब के लॉजिक समझ में आ गया। सही बोलूं रोबो क्यों पता नहीं लगा रॉबर्ट फिलिप्स लॉस सैंटोस में, नहीं तो रॉबर्ट फिलिप्स लॉस सैंटोस में आए और रोबो को पता नहीं लगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। पहाड़ की तरफ पहुंच चुका हूँ, गाड़ी लेता तुरंत यहाँ से निकलता हूँ। चलो मेरे प्यारे ड्राइवर गाड़ी लो। एंड एक सेकंड भाई, हमारा प्यारा भाई यहाँ पर आया। अबे भाई कोई फायदा नहीं हो यार यहाँ पर भी आने का, ये नमूने कैसे चुरा लिया इन्होंने ऐसे, जोने जिन्हें कहाँ पे क्या बिल्कुल बाहर रोड पे रख दिया था, कब इतना सीक्रेट कब उसने ऐसे चोरी हो गया, कमाल हो गया। मुझे बोलता है ड्राइवर सर मेरे साथ चलो, मेरे को लगता है कब मेरे को मिल गया। एंड वो बंदे मिल गए जिन्होंने उनको चुराया है। मैंने बोला भाई अमेजिंग, चल जल्दी निकल क्योंकि कब ढूंढना बहुत जरूरी है। ड्राइवर भाई जी फटाफट से पूछो आखिर क्या हो सकता है उस कब से, क्या करेंगे ये बंदे उससे। चलिए ड्राइवर जी निकलिए सर आराम से आराम से आराम से। एंड बहुत बढ़िया, अरे रे रे ये गाड़ी ना यार ज़्यादा फिसल जाती है तो मेरे को पता ही है, थोड़ी सी फिसल जाती है, खैर चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहुँचते जगह पर एंड पता करते हैं बंदे कौन है, कौन सी गैंग के जिनमें इतना दमाया कि कब भी चुरा के ले गए। जगह पर पहुँच चुका हूँ, मेरा प्यारा प्यारा दोस्त मेरे को जगह पे लेकर के पहुंच चुका है। सामने आप घर देख रहे हो जिसकी छत पे आग लग के रखी है, अमेजिंग लेवल का घर है ये बोल रहा है ड्राइवर इसी में मेरे को लगता है। मैंने बोला ठीक है तू चिंता मत कर, तू भारी ले, मैं ज़रा जा करके चेक करता हूँ सारी चीज़ें। तो देख तो सही भाई किसका घर है, इस टाइप का घर मैं पहले भी देख चुका हूँ, ज़रा चेक तो कर ही लेते हैं। ड्राइवर अंदर से निकलना पड़ेगा, कैसे निकलना पड़ेगा, कोई रास्ता वास्ता ढूंढ दो भाई घर का, तोड़ता हूँ रास्ते वास्ते, कुछ तो ढूंढना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे। चेक करता हूँ अंदर निकलने का रास्ता ढूंढता हूँ। एंड देखे तो सही यहाँ पे कब कौन लेकर के आ गया। अंदर पहुँच चुका हूँ मैं, पीछे से रास्ता खुल गया था। चेक कर ड्राइवर ब्रो यहाँ पे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कुछ तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। हेलो मेरे प्यारे भाई घर पे कोई है क्या, अमेजिंग लेवल का बेड रखा है, चलिए बढ़िया बहुत बढ़िया। ये घर अब मेरे को याद आ गया, पता है कौन सा घर है, वही साइको किलर का। यार ये इस घर पे कौन आएगा आखिर कब चोरी करके, बात बिल्कुल अभी ना तो समझ में आ रही है एंड ना ही थोड़ी हंसी हजम हो रही। हेलो मेरे भाई कोई यहाँ पर है क्या, ओके फिलहाल देखो अभी भी यहाँ पे मर्डर चल रही है, इसका मतलब मेरे को जल्दी पता करना पड़ेगा यहाँ पे उल्टा सीधा काम चला के किसने रखा है एंड कौन उल्टे काम कर रहा है पिटाई खाने के। ड्राइवर ब्रो जी जरा यहाँ से बाहर निकलिए, चेक कीजिए एक सेकंड भाई साहब, घर में कुछ तो गड़बड़ है। अबे कौन है भाई नमूने, सीधा कर दूंगा मैं, एक सेकंड। अरे यार एक सेकंड कुछ तो गड़बड़ चल रही है भाई, कोई बंदे आरपीजी मार रहे, तोड़ लूंगा नहीं नमूनों को सरकार। ड्राइवर ब्रो जरा मारने को इसकर, जरा मारने को इसकर, ये ले बैठे। चल ड्राइवर खत्म कर नमूनों के सरकार को, जल्दी। ओके भाई दो चार के पत्ते हैं ना उनको दी एंड करता हूँ मैं, उसके बाद चेक करता हूँ सारी चीज़ें। तो यहाँ से इतने बंदे दिख रहे थे, यहाँ से मैंने इतने बंदे खत्म कर दिए। अब देखते हो जैसे भी होगा जैसे भी, यार बाहर तो निकलना मुश्किल है, बंदे गेट पर ही फायरिंग कर रहे हैं, यहाँ से बाहर निकलना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा यार, अब कैसे काम चलेगा भैया। अरे भैया एक दो आरपीजी ना थोड़ा खिड़की से लग गया ड्राइवर को, भाई थोड़ी दिक्कत हो गई है, पता करना पड़ेगा अगर किसके पीछे मतलब इसके पीछे किसका हाथ है क्या सारी चीज़ है। ड्राइवर ब्रो चिंता मत कर सब ठीक हो जाएगा, नमूनों चुप हो जाओ नहीं तो बहुत बुरा कर देगा ड्राइवर तुम लोगों के साथ में, बहुत बुरा है। आरपीजी अच्छी चीज़ नहीं होती, आरपीजी सच्ची में बड़ा नुकसान कर देती है हम लोगों का जैसे कि आप देख रहे हो। चलिए ठीक है यार अब जैसा भी है, ड्राइवर भाई चिंता मत कर सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में, सब कुछ ठीक हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। यार बंदे शांत हो गए एंड ड्राइवर अभी तक वीक ही पड़ा हुआ है तो इसलिए फिलहाल अभी चल रही मतलब के बंदे फिर आए ट्रक में डाला लेकर के निकल गए। अभी तक पता नहीं लगा भाई कहाँ पे मेरे को लेकर के जा रहे हैं। हमारा प्यारा जोनेज का फ्रेंड है मेरे को यहाँ पे कहीं दिखाई नहीं दे रहा, लगता है उसका भी नेता बना दिया। कौन है यार आखिर इस चीज़ के पीछे, पता तो करना ही पड़ेगा, कोई बड़ा ही बंदा लग रहा है मुझे, पता मैं कर ही लूँगा। ड्राइवर मेरे लाल जरा आराम से फटाफट से निकल, देख बस कोई दिक्कत की बात नहीं है, ड्राइवर जल्दी ठीक हो जाएगा, कोई ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ जैसे कि आप देख ही रहे हो, कपड़े कोई ज़्यादा ख़राब नहीं हुए ड्राइवर के तो इसलिए पावर तो आ ही जाएगी। एक बार पता तो लग जाए आखिर कौन है इनके बीच में उल्टे सीधे काम करने वाला बंदा, इसका नेता तो ड्राइवर ही बनाएगा ना। मैं सिर्फ इंतज़ार कर रहा हूँ भाई चीज़ों का, एक बार बस पता लग जाए कौन है करने वाला ये उल्टे सीधे काम, उसके बाद आएगा असली मज़ा। अबे कैसे कर रहा है भाई, कैसे ड्राइविंग कर रहा है, जरा आराम से चला ले, देखो गाड़ी उल्टी कर दी, अबे आराम से चला ले नहीं तो ये गाड़ी वाला बहुत मारेगा तेरे को। आप लोग फिलहाल देखना चाहते हो बंदे को, वैसे गैस कर लिया होगा, बहुत से बंदे बड़े खतरनाक होते हैं, बड़े तेज़ होते हैं, समझदार होते हैं कि गैस कर ही लेते हैं, फिलहाल नहीं किया होगा तो चलिए दिखा देते हैं कौन है चंपू का सरदार। हेलो मेरे प्यारे प्यारे भाई कैसा है तू, ठीक है, ये नहीं करना चाहिए था, नेता तो तेरा बनेगा बेटा, ज़रा बताने की कोशिश करेगा कि आखिर क्यों आखिर तूने ये उल्टे काम किए, बता दे भाई। बंदे से बातें हो गई है अमेजिंग लेवल, मुझे बोलता कि ड्राइवर सालों से मैंने इस चीज़ का इंतज़ार किया है, ये तो उसका भाई निकला, कमांडर थी उसका, अमेजिंग लेवल, सच्ची में भाई निकला, सोच का भाई नहीं सच्ची में उसका ही भाई है, किसी को नहीं पता था। ये दोनों ना दोस्त बन के जोनेज के पीछे पीछे उसको मारने का प्लान बनाते थे हमेशा, कमांडर थी उसमें ख़त्म कर दिया, ये उसका बेस्ट फ्रेंड,
बेचारा इसके ऊपर इतना ट्रस्ट करता था जॉन। जॉन ने इसको अपना मैनेजर बना के रखा था, परमानेंट इसको साथ रखता था, इसको दोस्त बना के रखा था। एंड ऐसे ऐसे दोस्त ना दुश्मन होते हैं। जब इसको पता लगा जॉन ने एक बिल बनवाई है जिसमें नाम है ट्रेवर का, इनके सर में दर्द हो गया भाई। इस बंदे का भी सपना यही था कि मैं बॉस बनूं, अमेजिंग लेवल हम राज करें हाई कमांड पर। इसीलिए इस बंदे ने बहुत अमेजिंग प्लानिंग करके, जोनेस तो खैर आपको पता है मर चुका है, बट उल्टे सीधे काम। आप देख रहे हो आज की डेट में इसने मतलब मौका, इसको मौका चाहिए था सिर्फ मुझे ख़त्म करने का। इसने बॉस तो मुझे बना दिया बिल के हिसाब से, उस दिन के बाद से सिर्फ मौका ढूंढना से शुरू किया। फ्रैंकलिन का भी इसने उठाया पता लग गया, बता दिया सर सारी बातें। एंड तब से तलाश में है कि कैसे ट्रेवर को मार दे। फिर आज जब मैं इसके पास आया, इसको मैंने बोला मुझे कब चाहिए, कब इसको पता है कहाँ पर रखा हुआ है, कब अपार्टमेंट में है जॉन एज के, मेरे को पता लग गया इसने जानबूझ के झूठ बोला चोरी हो गया। वहाँ पे मेरे को जंगल वाले बंदों को बोला कि इन्होंने चुराया जानबूझ के ताकि वो बंदे मुझे मार दे। उसके बाद फिर मेरे को एक और मतलब कि जगह पे भेजा जहाँ बंदे ने आरपीजी मारी। इसने सोचा वो बंदे मुझे मार देंगे, इसका काम आसान हो जाएगा। वहाँ पे बंदे मुझे मार नहीं पाए। उसके बाद फिर वहाँ पर भी आगे देखा यार यहाँ पे भी बच गया। फिर इसने मुझे वहाँ पर भेजा सीधा उस घर पर जहाँ पर से मैं अभी आया हूँ। वहाँ पर इसने दुनिया भर के आरपीजी वाले बंदे फिर छोड़ दिए कि कम से कम ट्रायल पर यहाँ पर तो मर जाएगा। ट्रायल वहाँ पर भी नहीं मरा, तो बोल रहा है कि ट्रायल तेरे लिए जहर का इंजेक्शन बनवा रखा है मैंने, दो मिनट में डॉक्टर यहाँ पर लेकर के आने वाला है, उससे ही तेरे को मारूंगा मैं। सही है भाई, तो मतलब बेचारे ने इतने ट्राई करे मुझे मारने के, बाद ट्रायल मरता ही नहीं ना। अबे नमूनों के सरदार, तेरे को बनाऊंगा मैं नेता, हाई कमांड चाहिए ना तेरे को, मैं देता हूँ हाई कमांड। ट्रेवर ने सारी सारी बातें सुन ली है एंड अपना प्यार ट्रेवर अभी जरा बंदों को नेता बना ही देगा। ट्रेवर ने उस नकली ट्रेवर को माइक दे के रखा था, सारी की सारी बातें सुन ली है मैंने, असली वाले ट्रेवर पर स्विच कर लिया है। पहले नमूनों के सरदार तेरे से बच्चे आएंगे ट्रेवर को मार देंगे, इतना कमजोर है कि ट्रेवर नमूनों के सरदार के ऊपर तभी शक हो गया था जब इस नमूने ने, अबे कैसे किसने मार दी गोली, अरे अरे आ रहा बेटा आ रहा तेरे पास, चिंता मत कर चिंता मत कर। चलो 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 बहुत बढ़िया, हमारा प्यार भाई तो पहले ही घायल हो गया, इसको बाद में देखूंगा। इसके ऊपर तभी शक हो गया था जब इसने मेरे को बोला ड्राइवर वो चोरी हो गया यार। मैंने सोचा यार कैसे चोरी हो सकता है, जो उन्हें अपनी चीज़ों को इतने आसानी से चोरी तो नहीं होने देगा कि ऐसे खुले में छोड़ देगा एंड कोई भी नमूना आएगा चोरी कर लेगा। तभी मेरे सर में दर्द हुआ कि यार ये कुछ करना है। मैंने इसको अभी तक मौका इसलिए दिया क्योंकि मेरे को लगता था इसके ऊपर भी कोई बंदा है, मुझे थोड़ी पता था यही मेन बंदा है, इसलिए मेरे को पता था सारे काम क्या चल रहे हैं। मैं जानबूझ पर इसकी मतलब जगह पर गया जो इसने मेरे को बताई एंड फिलहाल मैं जानबूझ कर ही बेहोश हुआ था मेरा बंदा, मेरे को आरपीजी नहीं लगी थी। मैंने जानबूझ कर ड्रामा किया घर में कि मैं घायल हो गया ताकि बंदे मेरे को उठा के लेकर के जाए एंड देखे तो सही कौन सा बंदा है उल्टे काम करने वाला। हमें क्या पता था ये चंपू सबसे मेरा मेन हेड निकलेगा एंड इस चंपू को ही नेता बनाना पड़ेगा। कल तक जो दोस्त था वो दुश्मन निकला। सही बात, जहाँ पे पावर और पैसा होता है ना वहाँ पे ट्रस्ट नहीं होता। मैंने अभी रोबोटिक ट्रेवर को खोल दिया है, ये एक रोबोट है। मेरा पिछले वाला जो बंदा था वो भी रोबोट ही था जिसको मार दिया था ड्रैगन ने, ये भी रोबोट ही है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे कॉपी है मेरे जो मेरे काम आते हैं, मतलब काम आते रहते हैं टाइम टाइम पर। चल ब्रो ठीक है, थैंक यू, तेरा काम पूरा हो गया, अच्छी एक्टिंग करी। अब ज़रा उस नमूने की खबर लेता हूँ मैं, हमसे पंगा लेने आया था, इसको चाहिए। फ्रैंकलिन को मारा यार इसने, देखो पता नहीं कितना कैसे हाल में होगा फ्रैंकलिन मेरा भाई। हेलो जी टकलो जी कैसी हो जी, आज तोड़ेगा ट्रेवर आपकी कमर तसल्ली से। फिलहाल मैंने अपनी गाड़ी ले ली है एंड अभी फटाफट से निकलता हूँ जगह पर। फिलहाल आपको पता है मैं कहाँ पर जा रहा हूँ। फाइनली मेरे को पिट करके अपने प्यार टकलू ने, टकलू को मारा नहीं मैंने अभी, उससे बस इन्फॉर्मेशन निकाली है, वो ये कि कहाँ पर है आखिर हमारी प्यारी वो चीज़ जिसको हम ढूंढ रहे हैं, मतलब कि वो प्यारा सोने वाला कप वो मिल चुका है। उसको लेने के लिए पोस्टमैन से जाकर के डार्किंग को देता हूँ, एक काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद फ्रैंकलिन को ढूंढना है वो दूसरा काम एंड उसके बाद रोबोट ट्रिस को ढूंढना है तीसरा काम। ये तीनों मतलब कि ये तीन चीज़ें इसी एपिसोड में मेरे को पूरी कंप्लीट करनी है एंड जल्दी से। यार रोबोट ट्रिस को बताओ मारो या ना मारे, देखो रोबोट फिलिप्स इस वक्त हमारे पापा नहीं है एंड वो पहले भी नहीं थे, बट पहले कम से कम वो नॉर्मल तो थे, उनके अंदर जो मेमोरी थी वो ट्रेवर के पापा की काम कर रही थी एंड वो मुझे अच्छे से प्यार करते थे जो मैंने देखा एक ही एपिसोड में फ्रेडी को उड़ा डाला उन्होंने। बट यार उस टाइम वो पावरफुल भी थे क्योंकि बंदों ने उनको पावर दे के रखी थी, उस टाइम पर उनको गोली मारोगे तो असर नहीं होता, बट अब उनको वीक बना दिया इन्होंने चिप से। अब देखा जाए वो दुश्मन भी है कमज़ोर भी है, उस टाइम पावरफुल भी थे पापा भी थे, अब तो बड़े बुरे फंस गए। जगह पर पहुंच चुका हूँ मैं उसी अपार्टमेंट में जहाँ पर जोनी भैया ने कप को रखा हुआ है। चलिए ड्राइवर जी फटाफट से निकलिए। दरअसल ना वहाँ मतलब यहाँ पे आने से पहले मैं घर गया था, वेपन्स कम पड़ गए थे तो मैं सारे वेपन्स लेकर के आ गया। आप देख रहे हो
अमेजिंग लेवल की, पुराने जमाने के गाने पर मजा बहुत देगी। हेलो मेरे प्यारे ड्राइवरों, कैसी लगी? अरे भाई बहुत बुरी है यार, बहुत टाइम लगेगा इसको रिलोड करने में। पहले इसी टाइप गन चलती थी, बट फिलहाल भी ज्यादा टाइम नहीं है भाई इसके ऊपर टाइम खर्च करने का। मैं तो वैसे इसको निकाल ली ताकि मैं आपको दिखा रहा था इसको, देखो ट्रेवल के पास कैसी कैसी गन्स है। ओके फिलहाल मैंने इन सभी बंदों को एंड किया, बढ़िया। एक बंदा और बचा था। हेलो जी कैसे हो जी? सॉरी पेट में लग गई। वाह पेट में लग गई, पिस्टल निकाल ली, वैसे बड़ी गन चला रहा था। एक और खा ले, अब क्या निकालेगा? अरे अरे दिल पकड़ के रो रहा है। अबे दिल में तो मारी नहीं, पेट में मारी मैंने। चलिए बढ़िया, तो ठीक है चलिए। मैंने इसको ज्ञान किया सही बंदों को। इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कब नीचे ही है, जहाँ पर अपने प्यारे भाई जोनेश का वार्डरोब है ना, यहीं पर है अपनी प्यारी प्यारी वो चीज़। ट्रेवर जी अंदर निकलिए। हेलो जी मेरे प्यारे कप, बढ़िया भाई फाइनली हमें मिल गया। चलिए इसका मतलब इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक थी, यही है वो जोनी भैया कप जो मैं लेकर के आया था। अमेजिंग लेवल की चीज़ है यार ये। चलिए बढ़िया, इसको लेता हूँ, उठाता हूँ। एंड फिलहाल फाइनली फटाफट से निकलते हैं जल्दी से डार्क किंग के पास में। अब की बार जाना पड़ेगा डार्क किंग के मेन ऑफिस पर, मतलब कि मेन वही जगह जहाँ पर वो हमेशा मेरे को मिलता है। पहुँचते हुए इसको दे करके आता हूँ। मैंने डार्क किंग को अपना कप ला करके दे दिया है। फिलहाल ये बंदा 600 साल से जी रहा है, बट भाई तमीज़ एक पैसे की नहीं है इस बंदे में, पता है क्यों? इतनी बार मैं इसके पास आता हूँ, बड़ी दूर से आता हूँ, बदतमीज इंसान चाय भी नहीं पूछता। अबे नमूने आग बंद कर दी तो क्या एहसान कर दिया मेरे ऊपर, चाय पानी पूछ ले। अबे दो पार्ले जी के बिस्किट ही खिला दे, ड्राइवर तो खुश हो जाएगा उसमें ही। सस्ता बंदा है बेचारा, कमाल है यार, हद हो गई है। मतलब कि ड्राइवर के साथ महंगे नशे नहीं है, ड्राइवर तो छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाता है। बताओ एक कप चाय दो बिस्किट में क्या जा रहा है इसका, बदतमीज बंदा है। 6 साल हो गए बट आज तक मेहमानों की वो कहते हैं ना सेवा करना नहीं सीखा, कौन सिखाए इसको। चलिए निकलते हैं यहाँ से। बताओ यार ड्राइवर को भूख लगी है, प्यास लगी है बेचारे को, सोचा था चाय मिलेगी कप ला के देंगे, कद्दू मिला यहाँ पे। वापस लॉस एंजेलिस पहुँच चुका हूँ, आने जाने में इतना टाइम लग जाता है क्या ही बोले। फिलहाल चलिए दोबारा से फिर एक जगह पर निकलना है। दरअसल देखो एक काम पूरा कर दिया, कप ले करके दे दिया डार्क किंग को, ये काम पूरा। दूसरा काम है हमारा पहले फ्रैगलिन ढूंढना, तो जल्दी से निकलता हूँ। अभी तक मैंने फ्रैगलिन के बारे में उससे ज़्यादा पूछताछ करी नहीं है अपने प्यारे टकलू भैया से, तो जा करके जोन के नकली दुश्मन से, मतलब के दुश्मन असली है नकली फ्रेंड से बात करता हूँ, दिखावट वाला दोस्त था वो। तो चलिए उसे जाकर के पूछताछ कर लेते हैं कि आखिर भाई मेरा दोस्त फ्रैगलिन कहाँ पर है। अगर गुस्सा आया तो सीधा कर दूंगा मैं, जल्दी बोल। पहुँच चुका हूँ मैं जगह पर। चलिए मेरे प्यारे ड्राइवर जी ज़रा उतरिए गाड़ी से, पूछताछ कर लेते हैं। हेलो प्यारे प्यारे भाइयों कैसे हो? मार तो नहीं टकलो को, अभी मारना मत, क्योंकि जब तक मैं ना बोलूँ इसको मारने की कोई जरूरत नहीं है। इससे बहुत सारे काम करने हैं, पूछताछ करनी है, एंड अभी बहुत सारे काम है भाई, क्योंकि जल्दी वक्त आने पर देखते जैसा भी है। हेलो जी प्यारे भाई जी कैसे? मैंने बोला था तुम्हारा सर पे हैट दोबारा लगा दूंगा, जल्दी बोल भाई, नहीं तो ड्राइवर दोबारा पीट सकता है, गुस्सा दिलाएगा तो बुरा होगा। ज़रा बता मेरे भाई प्लीज़, मेरे दोस्त फ्रैगलिन कहाँ पर है? क्योंकि तूने इसको पीटा था एयरपोर्ट पर, मेरे को पता लग चुका है, अब बोल जल्दी। बंदा बोल रहा है कि ट्रेवर यार सॉरी मैंने उसको मार दिया, दरअसल मैं तुझे मारने वाला था, तेरे माइकल दोस्त को और तुझे भी, तीनों को मारता तभी तो हाई कमांड हमेशा के लिए मेरी होती, नहीं तो मैं तुझे मार देता अकेले को, तो वो भी आते बदला लेने के लिए। इसलिए मैंने तेरे पहले फ्रैगलिन को मारा, फिर माइकल को मारता एंड तुझे ही मारता, बट तू सबसे पहले लिस्ट में आ गया क्योंकि तूने मुझसे कप मांगा, दिक्कत होगी तो मैंने सोचा पहले तुझे ही मार देता हूँ। इसने मुझे एक जगह बता दी है, इसको बाद में आकर के देखूंगा। इसने मुझे बोला है कहाँ पर इसने फ्रैगलिन को मार करके दबा के रखा हुआ है। बड़ा बुरा काम हो गया भाई, बड़ा बुरा काम हो गया। ट्रेवर ब्रो ज़रा जगह पर निकल, अपने कुछ बंदों को फ़ोन करता हूँ कि यार लेस्टर ज़रा कुछ बंदों को भेज, एक जगह पर ड्रिल करनी है, एक मतलब खुदाई करनी है, क्योंकि वहाँ पर उसने मार करके फ्रैगलिन को कॉफिन में दबा के रखा हुआ है। जगह पर मैं बहुत टाइम पहले पहुँच गया था, बंदे बहुत देर से अपना काम करने में लग रहे हैं मेरे प्यारे भाई सारे के सारे, जैसे कि आप देख ही रहे हो। लगे रहो भाई, लगे रहो फटाफट से यार, जल्दी खोद करके निकालो पूरी जगह, क्योंकि इसी जगह पर उसने बोला था कि मैंने यहाँ पर ही फ्रैगलिन को दबा करके रखा हुआ है। देखते भाई क्या निकलेगा, कुछ है सच्ची में उसकी इन्फॉर्मेशन दम या नहीं है। अगर ऐसा है तो फ्रैगलिन मर गया यार, इसका मतलब बड़ा बुरा हो गया यार ये तो, क्योंकि फ्रैगलिन भी ख़त्म हो गया हमारे गेम से, ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार, बड़ा बेकार हो जाएगा, तो फ्रैगलिन तो हमारा मेन बंदा है ना। ड्राइवर ज़रा चेक कर भाइयों, जल्दी करो फटाफट से, टाइम नहीं इतना। बहुत देर खुदाई करने के बाद फाइनली कॉफिन तो निकला, बड़े कमाल है पता भाई क्या, कॉफिन खाली है। अब मैं उस टकलू को छोड़ने वाला नहीं हूँ, मतलब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है हमारा, बार बार बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, बंदों की इतनी मेहनत हो गई बेचारों की। कॉफिन खाली है, अमेजिंग लेवल, बढ़िया भाई बढ़िया। ठीक है भाई कॉफिन का दबा दो, क्या पता किसका कॉफिन खोद निकाला हम लोगों ने या फिर जो भी है, बट फिलहाल कॉफिन खाली है, होगा तो उसी का ही जो भी है, पर खाली कॉफिन दबा के रखा है। बोलता है फ्रैगलिन को दबा के हमें मार दिया उसने, इसको सीधा कर दूंगा मैं। ड्राइवर जरा निकल यहाँ से जल्दी से, दोबारा से पहुँचता उसी जगह पर, एंड इस टकलू को अबकी बार प्यार से नहीं पूछा जाएगा, अब की बार पूछ जाएगा पिटाई करके। पहुँच चुका हूँ दोबारा से जगह पर, चलिए अब की बार इसको पीटने का टाइम आ चुका है,
सोचा था प्यार से पूछता हूँ तो प्यार से सारे सारे काम सोल्व हो जाएगा, बट पेट में कुछ बंदे चाकू खा के ही मानते हैं। चाकू वाकू नहीं मारूंगा, डंडा तो बजाना ही पड़ेगा। नमूने मानेगा नहीं तो गिर गए ना टोपी, गिर गए ना टोपी। इज्जत रास नहीं आती ना कुछ बंदों को, हजम ही नहीं होता घी। बिल्कुल वही वाला काम हो गया रखा तेरे को। जल्दी बोल कहाँ पर है फ्रैंकलिन, मैं चेक करके आ चुका हूँ, कॉफी निकला बट खाली है वो, समझ में आया? और टकलू तो बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है और बोल रहा है ट्रेयर सर चाहे तो जान ले लो, सच बोल रहा हूँ, अपनी कसम खाता हूँ, खानदानी कसम खाता हूँ, चाहे तो किसी की कसम खिलवा लो, कुछ भी करवा लो ट्रेयर सर। मैंने वहीं पर उसको दबाया था कॉफिन में, कॉफिन खाली है बट ऐसे कैसे सकता है? तो इसका मतलब टकलू की जानकारी के हिसाब से इसने उसको मारा एंड दबा दिया, एंड इसके दबाने के बाद शायद से मुझे लगता है कोई उसकी बॉडी निकाल के ले गया। अब कौन ले गया यार, बहुत बढ़िया काम और बढ़ा दिया। एक काम करो, इसको बंकर गैरेज में कहीं में बंद रखो, हैंगर वगैरह में, मैं बाद में देखता हूँ इससे क्या इसके साथ करना क्या है, मारना मत अभी, काम आएगा। चलिए भाई, तो इसका मतलब फ्रैंकलिन हो गया चोरी, बॉडी चोरी हो गई है। तो मैंने सिर्फ कन्फर्म किया, क्यों तूने उसको जिंदा दबाया था? बोल रहा है कि ट्रेलर सर मैंने चेक किया तो मर गया था। तो इसका मतलब इसके हिसाब से फ्रैंकलिन मर गया है, बट वो बॉडी गायब है यार। अब बॉडी कौन ले जाएगा फ्रैंकलिन की? चलो जैसा भी है, बोल देता हूँ लेस्टर को कि लेस्टर यार फ्रैंकलिन को कोई निकाल के ले गया कॉफिन से, उसी दिन ले गया था, क्या पता जिंदा बच गया हो, कुछ तो हो गया हो, चेक कर ले मेरे भाई कौन उसको लेके गया, क्या पता कोई हॉस्पिटल में हो। एक काम कर लो सर, सभी हॉस्पिटल्स पे चेक करो, खबर भेज। लेस्टर से बात हो गई, लेस्टर बोल रहा है ड्राइवर ठीक है, मैं पता कर लूँगा। मेरे भाई तू जल्दी से फटाफट से जंगल की तरफ आ जा, क्योंकि इस वक्त हमारे प्यारे रॉबर्ट जी के बहुत सारे बंदे मैं ढूंढ निकाले हैं, उसको ख़त्म करते जल्दी आकर के दोनों भाई। तो ठीक है चलिए अभी चेक करते, देखते सिचुएशन डिपेंड करिए करना है क्या वो देखते हैं। बट चलिए तीसरा काम भी कर लेते हैं, दूसरा काम भी वैसे पूरा हो ही गया है, बट जैसा सोचा था ऐसा नहीं हुआ। फ्रैंकलिन की बॉडी नहीं मिली यार, बाकी जो भी है जब इसकी इन्फॉर्मेशन होगी तब देख लेंगे। बाकी अब अपने तीसरे काम के ऊपर फोकस करते हैं, वो है रॉबर्ट फिलिप्स के ऊपर। अब देखते हैं कि रॉबर्ट फिलिप्स के साथ करना क्या है, मारना है या छोड़ना है, वो सिचुएशन बताएगी। बट फिलहाल अभी तुरंत लेस्टर के पास निकलता हूँ एंड जा करके जल्दी से सारा काम करते हैं। चलो मेरे प्यारे बैड ड्राइवर पहुँचो जगह पर, एंड बस यार मारना पड़ गया तो बड़ा मतलब कि सिंपल करूँगा मैं, तो ज़्यादा बुरा नहीं मारने वाला है, तो ट्रेलर के पापा की बॉडी ना, एंड वो थे यार सच्ची में, बंदों ने चिप लगा के उनकी मेमोरी ख़त्म कर दी है। जगह पर पहुँचो, लेस्टर की हेल्प करनी पड़ेगी, मैं तो लेस्टर का नेता बना देंगे बंदे। लेस्टर बोलो तू चिंता मत कर, मैं देख लूँगा सभी को, मैं देख लूँगा सभी को, तू गाड़ी में जा करके बैठ, इनको तो मेरे को ही देखना पड़ेगा। कहाँ जा रहे हो भाई? अभी तो विंडो वेगन की पावर देखने का टाइम आ चुका है। चलिए ड्राइवर फटाफट से ख़त्म करो, बढ़िया बढ़िया, अमेजिंग चलती है भाई, अमेजिंग कर, थोड़ा सा और मारने में थोड़ा पावर होती तो मज़ा आ जाता, बट वैसे ऐसी बात नहीं, काफ़ी स्पीड से बंदे ख़त्म कर दिए। विंडो वेगन अमेजिंग चल रही है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ले बेटे चल चल चल, इधर आ इधर आ इधर आ, बहुत बढ़िया। फिलहाल चलिए लेस्टर ब्रो, कहाँ पर छुप गए हो? बंदे मैंने सुला डाले हैं, यहाँ पर बंदे फाइनल हो गए हैं, जैसे कि आप देख ही रहे भाई, काफ़ी सारी गन है, बहुत सी गन तो ट्रेलर ने आज तक कभी चला के यूज़ भी नहीं करी। बहुत सी ऐसी गन से मेरे पास है, मैं कम चलाता हूँ उनको, बट भाई देखो जितनी भी चलाते हैं मज़ा बहुत आता है। ये भी गोला ही है, ये अमेजिंग टाइप का गोला है, वैसे आप देख रहे हो अमेजिंग लेवल, इसकी वेव्स देख रहे हो, ये ब्लू कलर की वेव्स जो बाद में निकल रही है। अबे लेस्टर डरा दिया तूने यार नमूने, अबे भिंडी बाजार, ये तेरा खून है दूसरों का, मरने का काम करने आएगा यहाँ पर? लेस्टर बोल रहा है ट्रेवर मैं जब तक नहीं छोड़ूंगा रॉबर्ट को जब तक मैं अपने पापा का बदला नहीं लूं। मैंने बोला भाई ले लेना बदला, बट तू चल, कमाल करता यार। दरअसल रॉबर्ट फिलिप्स की इन्फॉर्मेशन अभी हमें मिली नहीं है, जब मिल जाएगी तब की तब देख लेंगे, फिलहाल ये पागल होकर रखा है। देखो जब कल तक तो मैं भी नहीं मारने वाला था रॉबर्ट फिलिप्स को, क्योंकि मेरे को तो पता था ट्रेवर के पापा है, बट यार जैसे आज मिस्टर माइंड ने बातें बताई तो अब तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब मैं 50-50 हूँ, बच भी जाए तो भी कोई मेरा नुकसान नहीं है, मर जाए तो तब भी कोई मेरे साथ नुकसान नहीं है, बट फिर भी देखते हैं क्या होगा। ट्रेवर ब्रो जरा निकलिए यहाँ से, मैंने लेस्टर को छोड़ दिया है, वो जा चुका है यहाँ से। फिलहाल यार मेरे पास लेक्सी का फ़ोन आया, फिर जब मैंने लेस्टर को उतार दिया तो लेक्सी मुझे बोलते कि ट्रेवर मेरे को पता लगा पापा के बारे में कि वो असली नहीं है, उनके क्लोन है। तो लेक्सी ने मुझे बोला कि ट्रेवर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो क्लोन भी होगी तो क्या होगा ट्रेवर, वो तुम्हारे पापा है, वो तुम्हारे पापा रॉबर्ट है ट्रेवर, इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा, उनको बचा लो प्लीज़, क्योंकि वो उन्हीं के खून से बने हुए हैं, सेम DNA सेम सारी चीज़ें हैं, उनकी मेमोरी में तो थोड़ी बहुत खराबी करके रखी है बंदों ने, मैं वो चिप सही कर दूंगी ट्रेवर, एंड उसके बाद वो सच्ची में तुम्हारे पापा ही है, क्योंकि उनकी मेमोरी के हिसाब से वो तुम्हारे मतलब वो तुम्हें अपना बेटा मानते हैं, उनके दिल में कोई चोर नहीं है कि वो तुम्हें कुछ मारना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं। सिचुएशन ख़राब दुश्मनों ने करी, उनके दिमाग में चिप लगा के तुम्हें दुश्मन बना दिया, है तो तुम्हें मतलब कि ट्रेवर पापा ही है, वो क्लोन हुआ तो क्या हो गया, है तो दिमाग उनका ही, सारी चीज़ें उन्हीं की है, सब कुछ उन्हीं का ही है, मैं सही कर दूंगी ट्रेवर, बट तुम उनको बचा लो, क्योंकि नहीं तो दोबारा फिर उनके साथ जीने का मौका नहीं मिलने वाला हमें कभी भी। पहले तो एक बार वो जा चुके ट्रेवर, बट अगर तुम्हें दोबारा से वो चले जाएंगे नहीं तो। लेक्सी की बातें सुनी तो मेरे को दिमाग में थोड़ा सा आइडिया आया, मतलब कि सही लगी मेरे को उसकी बातें,
नहीं भाई देखो, मान लो असली ना हो बट क्लोन भी तो असली इंसान का ही होता है ना, वो सेम असली इंसान की तरह ही होता है क्लोनिंग भी, कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता, डीएनए तक भी फर्क नहीं होता, सब कुछ सेम होता है, उनकी फीलिंग्स भी सेम होती है, मेमोरी भी सेम होती है, सब कुछ सेम ही होता है लगभग, प्रॉब्लम बस चिप की है ना, वो बोल रही है चिप मैं निकाल दूंगी एंड उसके बाद में हमारे पापा हमारे साथ हमेशा के लिए रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखा जाए तो बात सही बोल रही है यार, रेस्टर तो पागल होकर रखा है, बस हमें रॉबर्ट फिश को पकड़ के उनके अंदर चिप निकाल लिया एंड सब कुछ सही हो जाएगा। आइडिया सही दिया अलेक्सी ने, इसको काम में लाएंगे, लेस्टर जैसे भी कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश करेगा मैं उसको संभाल लूँगा, ये काम नहीं करेंगे भाई, रॉबर्ट फिलिप्स को मारने से कोई फ़ायदा नहीं है हमारा, वो तो मैंने बता ही दिया फ़ायदा कुछ नहीं है, बट नुकसान अब लगता है होगा, पहले सोचे तो नुकसान भी नहीं है, बट भाई एक बार को बचा ले, क्या हो गया असली नहीं है तो क्या हो गया, उनका मतलब सारी चीज़ें असली है यार, असली मानेंगे हम। बुल्फ वाले बंदे का मेरे पास फ़ोन आया, बंदे बोल रहे कि ड्राइवर आधे घंटे में तुम्हारे घर पर पहुँच जाएंगे, अपने घर पर ही आ जाओ। मैंने बोला ठीक है भाई आ रहा हूँ, ऐसे मैं घर के पास ही हूँ। वुल्फ वाले बंदे मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं इसलिए मुझे बुला रहे हैं, तो ठीक है चलिए पहुंच जाता हूँ मैं भी, मतलब थोड़ा सा वेट करता हूँ एंड चेक करते हैं कि आखिर क्यों मेरे प्यारे भाई क्या बात करेंगे बुला करके, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। वुल्फ गैंग आपको बताइए रॉबर्ट फिश से कहेंगे बातें तो करनी ही पड़ेगी ना, चलिए ड्राइवर ब्रो पहुँचो जल्दी से अंदर एंड वेट करो आधा घंटा, तब जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाता है ड्राइवर का आपको पता चीटी का टाइम। तो नमूनों के सरदार मुझे धमकी देने आए भाई, मुझे बोलते कि ड्राइवर हमें पता लगा तुम आज रॉबर्ट फिलिप्स के ऊपर अटैक करने वाले हो, मारने वाले हो उनको, ऐसा हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, अगर तुमने ऐसा किया तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं ड्राइवर, क्योंकि हमारे मालिक को मारने वाले को हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो उनका बेटा ही क्यों ना हो। मैंने बोला भाई नमूना पहली बात तो नकली है, मैं साबित कर दूंगा, और ऊपर से मैं मारने वाला नहीं हूँ, चिंता मत करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड एक बात बताऊँ, तुम्हारे मालिक नहीं है, रॉबर्ट फिलिप्स मर चुके हैं बहुत टाइम पहले, वो उनका एक क्लोन है, समझ रहे हो ना, उल्टे काम मत करो। वैसे तुम इतने बड़े भी नहीं होगे कि ड्राइवर को मार दोगे, घर में घुस कर धमकी देना ना किसी और को, तो वुल्फ हो गए तो क्या होगा, ड्राइवर किसी को ऊपर नहीं मानता। अब चुपचाप घर से निकलो नहीं तो मैं नेता बना दूंगा, बताओ यार मेरे को आधा घंटा वेस्ट करवाया और मुझे आगे के धमकी दी, मतलब मेरे घर पे मुझे धमकी दे रहे हैं, मेरे को ही वेट करवा के, इसको कहते हैं अलग लेवल का स्वैग। अबे नमूनो अगर गुस्सा आ गया तो ड्राइवर इतना मारेगा सही में, कह रहा अभी निकल जाओ यहाँ से चुपचाप, अभी मेरे पास टाइम नहीं इतना कि मैं तुम्हें मारूं। वेट करते देखते कि आखिर कब लेस्टर पता लगाएगा ड्राइवर के पापा की लोकेशन के बारे में, एक बार वो मिल जाएंगे मेरे को तो मैं उनको बचा लूंगा, मैं उनको मरने नहीं दूंगा, लेस्टर को बोल देता हूँ, उसको समझाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत गुस्सा है अपने पापा की वजह से। टैक्सी का फोन आ गया, टैक्सी मुझे बोल रही है ड्राइवर तुरंत जल्दी से फटाफट से निकलो क्योंकि मुझे लेस्टर के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, लेस्टर ने ढूंढ निकाला है पापा को, इस वक्त सेकंड वाले एयरपोर्ट पर ही पापा कुछ अपने बंदों के साथ कर रहे थे, लेस्टर वहीं पर पहुंच गए अपने बहुत सारे बंदों को लेकर के। तो मैंने बोला ठीक है टैक्सी तो चिंता मत कर तुरंत पहुँचता हूँ जगह पर, तो ठीक है पहुँचते भाई जल्दी से जगह पर क्योंकि लेस्टर नाम का भरोसा तो मतलब उस बंदे का भरोसा मुझे भी नहीं है, कुछ उल्टी सीधी हरकत ना कर बैठे, जल्दी से इसको जाकर रोकना पड़ेगा, फोन उठा भी नहीं रहा बट कैमराज में चेक कर लिया वहीं पर है, लड़ाई बजने वाली है किसी वक्त, लेस्टर के पास पहुंचने वाला हूँ भाई, लेस्टर उल्टी हरकत कर रहा है भाई मेरे आने से पहले, यहाँ पे लड़ाई शुरू हो गई है। लेस्टर ब्रो नहीं शांति पकड़ शांति, आराम से काम ले, फिलहाल रुक जाओ मेरे पास सुन, लेस्टर अभी मत मार, देख कहाँ पर है पापा जल्दी मेरे को बता, रॉबर्ट फिलिप्स कहाँ पर है, वो कभी सामने है दिखे मेरे को, हाँ सामने है ठीक है। लेस्टर ब्रो अबे कंट्रोल कर, बात सुन मेरी अभी, रुक जा शांति कर, ए लेस्टर नहीं मान रहा नमूनों का सरदार, मेरे को कुछ करना पड़ेगा, लेस्टर ब्रो शांति रे शांति से काम ले, देख पापा है वो मेरे, आराम से मैं समझा दूं तेरे को दो चार बातें, देख मेरे को गुस्सा मत दिले लेस्टर नहीं तो मैं पीट डालूंगा तेरे को यहीं पर, एक सेकंड पर रॉबर्ट फिलिप्स को ढूंढना पड़ेगा मेरे को, अबे नमूना गोली चलाना बंद करो नहीं तो सीधा कर दूंगा मैं, एक सेकंड, अरे भाई साहब कहाँ पर है, अबे आराम से काम लो, गोली मत चलाओ, बहुत वीक है इस वक्त ये, नमूनों को मैं छोड़ूंगा नहीं भाई, मतलब मेरे कहने मतलब रुक तो गए बंदे पर मेरे कहने से पहले मैं थोड़ा लेट हो गया और यहाँ पर आने में, फिलहाल भाई मर गए या बेहोश हो गए पक्का नहीं बोलूँगा। देखो रॉबर्ट फिलिप्स को मारना वैसे तो बहुत मुश्किल है बट वो पहले अब इनको वीक बना के रखा है ना बंदों ने ताकि अगर कोई मारना भी चाहे तो मर जाए, फिलहाल ठीक हो ना, एक सेकंड चेक करता हूँ मैं, फिलहाल भाई सांसें चल रही है, हॉस्पिटल लेकर के निकलता हूँ फटाफट से, लेस्टर तेरे को बाद में देख लूंगा, नमूने मैंने तेरे को बोला था ना मेरे आने से पहले कुछ एक्शन मत करना, रुक जा ड्राइवर कहाँ लेकर के जा रहा है इनको, अरे ये दुश्मन है हमारे यहीं पे छोड़ इनको, मारूंगा मैं इनको, मेरे आपको बदला लेना है, तू अपने वादे को मत भूल, नमूने को पिटाई खाने का मन कर रहा है, अबे बहुत मारूंगा मैं समझ गया ना, अभी ये अच्छे इंसान है, इनके दिमाग में चिप लगी है तेरे को समझ में आता है नहीं आता कुछ, तूने फ्री में इनको मार दिया, ऐसे तो तेरे पीछे चिप थी, अगर मैं तेरे को मार देता तो तूने पता कितना नुकसान किया था उस बात पे, फालतू काम करता है तू, समझ में आया तेरे को, इनके माइंड में चिप है वो हटवानी पड़ेगी ठीक हो जाएंगे, जल्दी इससे पहले कुछ उल्टा सीधा काम हो जाए इनको हॉस्पिटल में लेकर के निकलता हूँ मैं, लेस्टर ने मेरे आने से पहले बहुत बुरा काम कर दिया, बहुत ज़्यादा बुरा काम कर दिया, और ये वीक तो थे ही, गोली लगते काम खराब हो गया, जल्दी निकल ड्राइवर भाई जल्दी, देखो मैं जितना स्पीड से लेकर के जाता हूँ हॉस्पिटल लेकर के जाऊँगा बट भाई कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए बस, ड्राइवर भाई इधर से लो अपनी प्यारी सी गाड़ी, मेरी प्यारी गाड़ी स्लिप मत कर नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा, अबे पुलिस वाले टाइमिंग बहुत गंदी है तेरी, जल्दी यार हद हो गई,
मैं चाहता नहीं इसको मारूं, बट ये चाहता है मैं इसको बहुत मारूं। कमाल के बंदे यार। ठीक है चलिए, तो देखो 10-15 मिनट तो लगने वाले हैं, हॉस्पिटल यहाँ से बहुत दूरी पर है एंड वही हॉस्पिटल बेस्ट है मेरे हिसाब से, पहुँच तो तुरंत लेकर के। फ़ायदा भाई नहीं हुआ, मैं लेकर के तो आ गया उनको, बट यार मतलब कि नुकसान ही नुकसान हुआ, पता है क्यों? जैसे ब्लड देख रहा फ्लोर पे कितना ब्लड पड़ा हुआ है, मैं लेकर के उनको जा तो रहा, जहाँ जहाँ भी मैं उनको लेकर गया वहीं पर हर जगह ब्लड पड़ा हुआ है, कहीं पर भी ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर उनका खून ना हो। मतलब कहने की बात यह, इतना ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, मर गए भाई, बच नहीं पाए। रॉबर्ट फिलिप्स क्लोन भाई टी एंड हो चुका है, लेस्टर की लापरवाही और मतलब कि बदतमीजी की वजह से, इतना क्या उसको आफत लगी थी कि मेरा इंतज़ार नहीं कर सका, मतलब मेरे आने से पहले लेस्टर ने सारा काम ख़राब कर दिया। उन्होंने गोली चलाई, सीधी सी बात है रॉबर्ट फिलिप्स के अंदर चिप थी, इसलिए उन्होंने मारा लेस्टर को, और लेस्टर ने बदला लेने के लिए मारा, आपस में लड़ाई हुई एंड उनको भी कुछ गोली लग गई जिसकी वजह से रॉबर्ट फिलिप्स मर गए, क्योंकि वो वीक थे बहुत उस चिप की वजह से, नहीं तो रॉबर्ट फिलिप्स के ऊपर मिसाइल भी डाल लो, नहीं मरने वाले थे, पूरा हो गया। चलिए खैर भाई, मैं दुख तो बहुत हो रहा है मुझे इस वक्त, क्योंकि बाद में लेक्सी ने जब मेरे को बोला तो मैं समझ गया था कि उनको बचाने में फ़ायदा है, बट लेट हो गया थोड़ा। लेक्सी को फ़ोन करके बोल देता हूँ, लेक्सी मैं उनको बचा नहीं पाया, सो सॉरी। लेक्सी को मैंने फ़ोन करके सारी बातें बोल दी है, बड़ी उदास हो गई है, अब क्या ही बोलूँ, लेस्टर ने सारे के सारे काम ख़राब कर दिए, नहीं तो सब कुछ अच्छा जा रहा था, बट इस लेस्टर नाम के बकरे को पता नहीं क्या आफत उठा करके रखी थी। रॉबर्ट फिलिप्स का क्लोन भी दिया, अब दोबारा क्लोन बनवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्या पता खून मिले ना मिले रॉबर्ट फिलिप्स कहीं पर, एंड रहने तो कोई फ़ायदा नहीं है, इनको बचा लेते तो कोई बात नहीं थी, बट दोबारा क्लोन बनवाने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए निकलते हैं यहाँ से, लेस्टर के नमूने के पास जा रहा हूँ भाई मैं, फिलहाल कमाल है, मैंने काम बढ़ा के रखा है, बार बार फोन में फ़ोन किया जा रहा है, बोल रहा है ड्राइवर प्लीज़ आ जा मैं मरने वाला हूँ भाई, मैंने बोला मर जा नमूने, जब मेरी तो बात नहीं सुनता। रॉबर्ट फिलिप्स का दी एंड हो गया, तीसरा काम भी पूरा हो गया हमारे इस एपिसोड में, चाहा नहीं था मैंने, शुरू में चाह रहा था मैं, बट अब नहीं चाह रहा था, बट खैर जो हो गया सो गया, बदल नहीं सकता, फिलहाल हमारे किस्मत में था ही नहीं रॉबर्ट फिलिप्स के साथ रहना। निकलते आगे की तरफ, अब लेस्टर पता क्यों मुझसे फंस गया नमूना, दरअसल लेस्टर वहीं पर था, पार्टी कर रहा था, स्मोकिंग कर रहा था, मजे ले रहा था बंदों को भेज करके, तो थोड़ा सा आगे निकला गाड़ी को लेकर के, वैसे ही घूमने गया था कहीं पर, पता नहीं कहाँ पे गया था, तो पता लगा जंगल के एरिया के बीच में वहाँ पे फंस गया एक रोबोट। दरअसल इन रॉबर्ट फिलिप्स के साथ में एक रोबोट रहता था, बॉडीगार्ड, ये तो मेरे को पता नहीं था यार, तो बोल रहा है ड्राइवर रॉबर्ट फिलिप्स का बॉडीगार्ड मुझे मारने आ गया, एक रोबोट है वो, मैंने तो अभी देखा, मुझे पता नहीं था इसके बारे में, मैंने बोला मुझे भी नहीं पता था यार। तो बोल रहा है ड्राइवर बहुत गोलियाँ चला रहा है मेरे पर, मेरे को मार देगा, प्लीज़ बचा ले आ करके। चलिए निकलता हूँ भाई, देखते कौन सा रोबोट है। वाह भाई बहुत बढ़िया, अमेजिंग लेवल, इतनी ज़्यादा फ्रंट से टक्कर तो लगी भी नहीं थी यार, जो ट्रेलर बाहर निकल गया, कमाल हो गया। चलिए ठीक है, निकलता हूँ लेस्टर के पास, पहुँच चुका हूँ मैं जगह पर भाई, इस एपिसोड में कहीं लेस्टर का भी एंड ना हो जाए। मैंने लेक्सी से पता तो करवा लिया कैमरा से, लेक्सी बोल रही है ट्रेवर लेस्टर मरने वाला है किसी वक्त में, किस कुछ ही सेकंड्स में, क्योंकि रोबोट्स ने मतलब रोबोट जो उसने फाइनली उसको बिठा लिया, उससे गोलियाँ ख़त्म हो गई थी एंड लेस्टर बैठा हुआ है ज़मीन पर एंड रोबोट उसको शूट करने वाला है किसी वक्त में भी। फिलहाल क्या करूँ, रोबोट को मारूँ तो क्या दो लेस्टर गोली मार दे, बेटे नमूने वो कहते हैं ना कर्मा, मेरी बात नहीं सुनी ना, मारा ना तूने रॉबर्ट फिलिप्स को बिना वजह, अबे टेस्टर जी के चक्कर में जो हो गया सो हो गया, बदला लेने से नुकसान होता है हमेशा, एक जान की जगह दो जान चली गई, क्या मिल गया, अगर रॉबर्ट जी जिंदा रहते तो कुछ काम आते ना, अब क्या करें, देखो बचाना तो पड़ेगा इस नमूने को। ट्राई कर लेता हूँ कौन सी गन मारूँ यार, किससे फ़ायदा हो सकता है, शॉटगन की रेंज ज़्यादा दूर तक काम करती नहीं है, बट फिर भी ट्राई कर लूँगा कौन सी गोली में ज़्यादा गन है। एक सेकंड ट्रायल पर, ये वाली निकाल, ये वाली नहीं, ये वाली भी नहीं, ये वाली ठीक है, ये वाली ज़्यादा अच्छे चलती है एंड मेरे प्यारे ट्रायल ब्रो ज़रा एक सेकंड रो, खेल ले बेटे, एक ही गोली में नमूने को नहीं तो बन गया। लेस्टर ब्रो खड़ा हो जा, मज़ा आ गया। हेलो जी रोबोट जी, अरे भाई साहब मज़ा आ रहा है। तो फिलहाल रोबोट का दम निकल गया है एंड लेस्टर तो एकदम से यहाँ पर बहादुरी से, अबे बस भाई मर गया वो नमूने, मैंने गन दे दी ना उसको, तो बड़ी दूर से जाकर गोली चला रहा है इसके ऊपर, सीधा हो जा। फिलहाल कमज़ोर रोबोट था यार, मैंने सोचा 20-30 गोली लगने के बाद मरने वाला है, शॉटगन ने एक में मार दिया। चल मेरे भाई रोबोट जी, ओ सॉरी, खैर बट मतलब बढ़िया हुआ जो हुआ। लेस्टर बेटे बच गया, समझ में आया ना, मैं टाइम पर पहुंच गया तेरे को बचाने के लिए, काश मैं 5 मिनट पहले आया था रॉबर्ट फिलिप्स को बचाने के लिए, तो आज तेरे उल्टे कामों के वजह से वो बच जाते, समझ गया तू। मुझे बोल रहा है ट्रेवर यार सो सॉरी, जो हो गया सो गया, बदल नहीं सकता, तूने मुझे पहले बताया नहीं कि उनका मुझे चिप लगी है। मैंने बोला मुझे भी तभी खुद पता लगा है यार, वैसे मैंने इसको बताया भी नहीं सच्ची में, जब जंगल की तरफ हम थे मैं भूल गया था यार, मैं इसको अगर बताया तो क्या होता, बच जाते। ये बोल रहा है कि अगर मुझे पता होता उनके पास चिप थी तो मैं कुछ नहीं बोलता, क्योंकि अपने होश में नहीं थे ना ड्राइवर, जैसे मैं था तो मैं उनकी गलती नहीं मानता, मैंने सोचा उन्होंने जानबूझ के मेरे पापा को मारा है। अब क्या बोले यार, जो हो गया उसको हो ही गया,
चल चल यहाँ से भिंडी बाजार के चोर, सारा काम खराब कर दिया तूने, चल आ जा। लेस्टर मुझे बोलता है कि ट्रेवर यार माफ़ कर दे यार, देख कोई बात नहीं, तेरे पापा भी नहीं है मेरे पापा भी नहीं है, बराबर हो गया। तो मैंने बोला भाई कोई रेस थोड़ी लगी है कि एक दूसरे के पापा को मार के बराबर में बैलेंस करना है। फिर इसमें बुद्धि वैसे थोड़ी कम थी, मेरे को पता था बट इतनी कम थी मैंने सोचा नहीं था। बोल रहा है कि यार ट्रेवर सॉरी हो गया जो हो गया, अब हम आगे से अच्छी लाइफ जियेंगे, बस जल्दी से उन दोनों को खात्मा कर देते डार्किंग का एंड अपने अपने फैंटम का, एंड उसके बाद में तू और मैं दोनों हमेशा साथ जिएंगे ट्रेवर, क्योंकि अब हमारे कोई दुश्मन भी नहीं, लगभग सारे दुश्मन खत्म हो गए, अब हम हाई कमांड के एंड सिस्टम के बॉस भी है, तो ट्रेवर अब हमें जो चाहिए था हमें फाइनली मिल गया, हैप्पी एंडिंग। मैंने बोला बढ़िया भाई, बट मुझे लगता नहीं ना ट्रेवर की लाइफ में हैप्पी एंडिंग होती है, ट्रेवर की लाइफ बड़ी अनोखी है। चलिए निकलते हैं यहाँ से, बट कोशिश यही करेंगे काफ़ी अच्छे से काम हो जाए, बट मैंने आपको फिर बोला डिपेंड करेगा ट्रेवर की चीज़ें, लास्ट एपिसोड में सब कुछ पता लग जाएगा आपको, तभी तो उसके ऊपर से नई सीरीज आपको समझ में आएगी। चलिए ड्राइवर जी आगे निकलिए, पहुँचते घर पर लेक्सी का फ़ोन आया भाई, लेक्सी बोल रही है कि ट्रेवर मैंने भी कंफर्म कर लिया हॉस्पिटल में जा करके, फिलहाल कुछ भी नहीं मिला। अरे भाई कमाल करते हो मास्टर जेड जी, मतलब अभी टक्कर लग जाती, वैसे लग भी जाती तो क्या हो जाता, मेरी बात नहीं समझते, हाईवे के बीच में ऐसा आते हो। थैंक यू खैर आप आ गए, मुझे वो आपसे मिलना है, एंजल ने बोला था मास्टर जेड, प्लीज़ क्या आप मेरी हेल्प करोगे इस लड़ाई में इस जंग में, देखो आपने बुक जला दी ख़त्म कर दिया, ट्रेवर के पापा जो थे वो भी मर गए, पता लगा वो नकली थे बट वो भी मर गए, प्लीज़ कुछ तो करो, ये नमूनों का सरदार हलवा बना के रखा है इसने। लेस्टर ब्रो क्या हाल चाल है, एक सेकंड भाई, हेलो जी मास्टर जेड मेरी गाड़ी में, अबे लेस्टर हट जा भाई, गाड़ी चलाने का शौक है क्या आपको, तो बता दें मुझे फटाफट से मैं चलवा दूंगा, बट प्लीज़। अरे भाई साहब हद हो गई यार, क्या है यार ये, अरे लेस्टर गाड़ी ले गया मास्टर जेड अपनी, बस समझ लिया यार। चलिए खैर अब जो हो गया सो हो गया, लेवल ही अलग हो गया। लेक्सी को फ़ोन करता हूँ कि यार मास्टर सर गाड़ी भी चुराने लग गया लॉस सैंटोस में आ करके, इतने सस्ते नशे। 5 मिनट हो गए भाई उस बात को जब मतलब कि मास्टर सर मेरे पास आए और मेरी गाड़ी लेके भाग गए, तो लेक्सी ने मेरी गाड़ी के जीपीएस को ट्रैक करा तो देखा कि बोल रहे कि ट्रेवर नहीं तुम्हारी गाड़ी लेके भागा नहीं है मास्टर सर, एक वोल्ट के पास जा करके उसको खड़ी कर दी है गाड़ी को, वो जानबूझ के दिखाना चाहता है क्योंकि उसको पता था तुम अपनी गाड़ी को ढूंढते जरूर आओगे ट्रैक करके, दरअसल वो तुम्हें वोल्ट में ले जाना चाहता है ट्रेवर। मास्टर सर बात नहीं करता भाई इसका मतलब, अब उसको मेरी अब तक उसको बात समझानी होगी मुझे, तो इस तरीके से समझाई। लेस्टर तो टैक्सी पकड़ के निकल, लगता है मास्टर सर हमें कहीं पे लेकर के जाना चाहता है इसलिए मेरी गाड़ी कहीं पे लेकर के चला गया, ठीक है ना मैं जाके चेक करता हूँ कहाँ पे जाना है मुझे, क्योंकि वो बंदा कुछ बता रहा है मुझे। पहुँच गया मैं दूसरी गाड़ी लेकर के जगह पर, यहीं पर मेरी कार खड़ी है। मास्टर सर कमाल का बंदा है, तभी तो मैं बोलूँ यार मैं शौक हो गया, गाड़ी चोरी करने लग गया बंदा आकर के लॉस सैंटोस में, ऐसा नहीं है भाई वो मुझे कुछ बताने आया है इसलिए मेरी गाड़ी लेके गए जानबूझ के, ताकि मैं फॉलो करता करता जगह पहुंच जाऊं। ये बात नहीं कर पाता, इसका मुंह काम नहीं करता, फिर कुछ तो वजह है भाई ये शायद से बात नहीं करता, बस इसने मेरे को समझा दिया कि यहाँ पहुंच जा बात ख़त्म। तो फिलहाल इस वोल्ट के पास गाड़ी है तो मतलब ये चाहता है मैं अंदर जाऊँ, चलिए चेक करते हैं अंदर है क्या। मैं अंदर इधर पहुँच चुका हूँ, वैसे मास्टर जेड चाहता तो मेरे को खुद भी टेलीपोर्ट करवा सकता था अपने साथ में, पर शायद उसने ऐसे नहीं कहा क्योंकि लेस्टर मेरे साथ में था, भाई उसकी मर्जी की बात है सीधी सी बात है, नहीं तो उसमें दम है क्यों किसी बंदे को टेलीपोर्ट करवा सकता है। भाई नीचे आकर के फैसिलिटी है वो देख लिया, बट पॉइंट ये है यहाँ पर एक बुक है, ये कहीं मेरी हेल्प तो नहीं कर रहा, क्या होता है इस बुक में कुछ राज लिखे हो कि आखिर कैसे ये सारे बंदे मरेंगे। फिलहाल कुछ तो है भाई, इसको चेक करते इसको पढ़ते तो ब्लैक कलर की बुक है, ऐसे तो दिख भी नहीं रही आपको, ऐसे दिख रही होगी फिलहाल। तो यहाँ पर जो ऊपर की तरफ बुक रखी है ना, इस ही बुक में कुछ तो राज है, क्या पता इसमें राज लिखे रखे हो इसी ने लिखे हो या फिर किसी ने लिखे हो कि कैसे फैंटम एंड बाकी बंदे मरेंगे, ये मेरी हेल्प कर रहा है तो मैं समझ गया। चलो ठीक है इसको रीड करवाते हैं, चेक करते हैं, इसको लेकर के निकलते हैं यहाँ से एंड पता करते हैं फाइनली क्यों आखिर मास्टर जेड ने मेरे को यहाँ पे भेजा, कुछ तो ज़रूरी है पता लग जाएगा, बस एक बार भाई कोई कमजोरी मिल जाए फैंटम की एंड बाकी और चीज़ों की तो उसके बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड फिलहाल संडे वाले एपिसोड में भाई फैंटम से फाइनली हम मिलने वाले हैं एंड उसी में आपको सारे सस्पेंस पता लगेंगे, क्योंकि फैंटम खुद ही हमें बताएंगे सारी बातें क्या हुई है ट्रेवर की लाइफ में एंड क्यों उन्होंने सारा काम किया, सारे सस्पेंस आपको पता लग जाएंगे। अब तक के मेरे जितने एपिसोड्स चले हैं GTA में उनका सबका निचोड़ मतलब कि सभी चीज़ों की चीज़ें उसी में आपको दिख जाएगी। एंड फिर उसके बाद में थर्सडे को दी एंड है एंड अगले संडे में नई सीरीज है, देखिएगा ज़रूर मज़ा आएगा आपको।